आज रोग हारियों का ही सन्निपात है, सन्निपात बाहुल है रोग हारियों का। जब लखनऊ की मीटिंग के लिए पर्चा बनाया और पर्चे में लिखा कि रोग हारी संगति होगी, तो हमारे डॉक्टर यूएस लाल जी ने कहा कि ये क्या लिख दिया आपने रोग हारी। हमारे डॉक्टर तो बड़े समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे इसको हटाओ। तो मैंने कि नीचे लिखा कि मैंने नीचे डॉक्टर्स भी लिखा है इंग्लिश में, उसको समझ जाएंगे। तो पुराने जो जानकारी है, क्योंकि पुराना हम तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम रोग हारी थे, यानी रोग का हरण करने वाले थे, तो हम ही लोग थे। और बुद्ध के को एक बार जब पत्थर लुढ़काकर मारने की कोशिश की गई बुद्ध को, तो एक पत्थर का टुकड़ा टूटकर उनके पैर में लग गया। उस पैर की सर्जरी करने के लिए जो व्यक्ति आया वो जीवक था, और जो वो उसने पैर की सर्जरी की, यानी पैर की खाल को बीधा और बीधकर जो की, ऐसे बीधने वाले को उस समय वेधी बोला करते थे, और इस वेधी से ही वैद बना बाद में, क्योंकि दो जो मात्रा है वैद वाली वो पाली में नहीं होती, तो वेधी से वैद बना। तो जो वेदी है उसको सर्जन बोलते हैं आज के समय, और जो रोग हारी है उसको फिजिशियन बोलते हैं। और भगवान बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध भैषज्ञ गुरु थे। तो ये भैषज्ञ गुरु जो थे, लोग समझते हैं कि वो भी फिजिशियन थे या वो भी सर्जन थे। भैषज्ञ माने होता है औषधि, यानी मेडिसिन। तो वो मेडिसिन के जानकार थे, जो आयुर्वेद आयु बढ़ाने वाली वेदनाओं की जो दवाइयां थी वो उन्हीं से चलती थी। आयु बढ़ाने वाली वेदनाओं की जो औषधि थी, जिसके भैषज थे के गुरु थे, वो बुद्ध थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आयु बढ़ाने वाली वेद, यानी आयुर्वेद जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं, उसके जो गुरु रहे हैं दवाइयों के, वो बुद्ध रहे हैं। क्योंकि वो जो वो जड़ी बूटी खाते थे उसको वो अपने शरीर पर प्रभाव दे सर, इसको अनम्यूट कर लीजिए, ये पता नहीं म्यूट कैसे हो गया। ये डॉक्टर साहब कोई कोई दबाने से कर देता है इसको, मेरे यहां से तो होता नहीं। वो मेरे मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। आपका जो नाम है ना, वो मेरे उसके एरो के नीचे आ जाता है। कोई बात हाँ नहीं। तो जी उस समय जो चुंद था, जब चुंद ने उनको खाना दिया और बुलाया, जो उनका आखिरी भोजन था मरने से पहले, तो जब उन्होंने भोजन किया, तो वो कहते हैं कि वो कुछ जो आज के समय जो हम खाते हैं, जिसको कहते हैं कि मशरूम जो बोलते हैं, तो मशरूम का भोजन बनाया उस समय, और वो मशरूम जहरीला मशरूम आ गया। तो बुद्ध ने खाया, खाने के बाद में बुद्ध समझ गए कि इसका शरीर पे क्या प्रभाव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चुंद, ये जितना भी खाना तुमने बनाया है मशरूम का, कुकुरमुत्ते का, इसको जमीन में गाड़ दो, दबा दो, किसी भिक्कू को मत देना। और उनको फिर मरणान तक, यानी जो मरने के अंत तक की जो वेदनाएं होती हैं, वो आने लगी, और वो धीरे धीरे चलते रहे। उनको पता था कि शरीर छोड़ने का समय आ गया है, उनके कंट्रोल में थे जो डेथ थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोगों को चिकित्सक बोलते हैं। दरअसल जो चिकित्सा शब्द है, ये भी बुद्ध का है, मगर ये चिकित्सक आधा कर दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है कि जो संदेह, जो डाउट मन में होते हैं, उसको दूर करने वाले बुद्ध थे, जिन्होंने मनोविज्ञान का सबसे पहले पाठ पढ़ाया। उस वी चिकित्सा से, क्योंकि वी चिकित्सा शब्द पाली में बहुत चलता है, उस वी चिकित्सा से ही वी चिकित्सक बना, और वी चिकित्सा से ही चिकित्सक बन गया, और चिकित्सक से ही चिकित्सालय बन गए, यानी संदेह दूर करने वाली, मन के संदेह दूर करने वाली आलय, यानी शाला, यानी कि हॉस्पिटल। तो दरअसल ये रोगशाला है, रोगहारी शाला है। इसका जो सही शब्द है अस्पताल का, वो रोगहारी शाला है, मगर हम इसको बोलते हैं चिकित्सालय। चलता है तो चलता है, क्योंकि हमारी भाषा का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, कुछ प्रयास करेंगे कि ठीक हो जाए। इसलिए रोग हारी, जब हमारे पर्ची पे रोग हारी लिखाई दे, तो समझ लेना कि ये हमारे डॉक्टरों के नाम है, ये हमारे पुराने डॉक्टर थे, और हम ही डॉक्टर थे। क्योंकि जीवक हमारा जो डॉक्टरों का पितामह है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी रही है, वो यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला में थी। तक्षशिला के अंदर वो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल था, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी हमारी बारे थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहले जुड़े हैं और जुड़े हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अभी बाबा साहब की वैसे डॉक्टर जो बने हैं,
ये तो पुनरावृत्ति हुई है, ये तो पुनर्जागरण हुआ है, हम तो बुद्ध से और बुद्ध से पहले से भी डॉक्टर रहे हैं, और तब डॉक्टर रहे हैं जब यहाँ कोई डॉक्टर होता ही नहीं था, तब हम ही डॉक्टर थे, हमने ही सारी औषधि खोदी, हमारे ही बुद्ध भैसज्य गुरु रहे हैं, हमने ही सारी वेद जो वेदी हैं यानी वैद्य रहे हैं, हमने ही ऑपरेशन किए हैं। और जीवक के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने खोपड़ी के भी ऑपरेशन किए हैं। एक कथा के अंदर आता है कि एक खोपड़ी में किसी में अंदर कुछ था और उन्होंने खोपड़ी खोल के और उसको ऑपरेशन किया और वो बांधा और उस औरत को वो हिले ना 7 दिन तक, तो उसको खाट से बांध दिया, अच्छी तरह से टाइट कर दिया ताकि उसका जो सर है बिल्कुल भी ना हिले। ये सारी चिकित्साएं क्योंकि उस समय देसी होती थी वो करते थे। तो हमारे डॉक्टरों को गर्भ से सीना चौड़ा होना चाहिए हमारे रोगहारियों का, कि वो जिनकी संतान है उनके महापुरुष उनके पिता में है, उनके दादा दादी तो पहले से ही डॉक्टर रहे। हम तो खानदानी डॉक्टरों का घर है, हम तो खानदानी डॉक्टर रहे, हमारे तो हॉस्पिटल रहे, हम तो वी चिकित्सालय हमारे तो बहुत सारे अशोक ने बनवाए, पर उन्होंने तो जानवरों के भी बनवाए, खाली ऐसा नहीं है कि मनुष्य के बनवाए, जानवरों के भी बनवाए, हम उन महान चिकित्सकों की संतान है। इसलिए जब हम लखनऊ में मिलेंगे 26 दिसंबर को, तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम कितने बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी संतान है, और हमको उनसे भी बड़ा काम करना है। तो उस काम की शुरुआत जो डॉक्टर है उन्होंने सबसे ज्यादा की है, क्योंकि तो जुड़ने और जोड़ने में जो सबसे ज्यादा अग्रिम दिखाई दे रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स तो हजारों की संख्या में पूरे देश में जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं लगातार, और एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और वो बाजी मार के ले गए जुड़ने और जोड़ने में, इसमें कोई शक नहीं है। कभी हम गर्व से कह सकते हैं कि डॉक्टरों का काम सबसे बेहतर रहा है अभी तक, बाकी लोग भी पीछे पीछे उनको देखा देखी आ रहे हैं। तो जुड़ने और जुड़ने के तरीकों में जब भी वो बात करते हैं, हमारे डॉक्टर बात करते हैं या हमारे आम लोग जितने भी हैं नॉन मेडिकल लोग हैं वो बात करते हैं, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि हम क्यों जुड़ें और क्यों जुड़ें। और ये प्रश्न वाजिब भी है, ये प्रश्न रोज हम बताएंगे, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो पहली बार आते हैं, अगर उनका संदेह दूर ना हो, उनकी भी चिकित्सा ना हो, उनके डाउट क्लियर ना हो, तो वो चले जाते हैं। इसलिए कोई भी जो भी यहाँ पर आके कंसेप्ट बताए वो 2 सवालों का जवाब जरूर दे कि हम क्यों जुड़ रहे हैं और हमारा नेता कौन है। ये 2 स्वाभाविक से क्वेश्चन है और ये बार बार बताने चाहिए। जुड़ने का नुकसान दुनिया में कोई नहीं बताता। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, यहाँ तक कि जानवर से पूछेंगे, उससे पूछेंगे क्या जुड़ने का कोई नुकसान है, तो फायदा हो ना हो मगर नुकसान नहीं है, तो ये तो गारंटी है कि जुड़ने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए जुड़ जाना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फायदे इसके इतने हैं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक फायदे ही फायदे आप देखोगे। यहाँ पोर्टल के अंदर भी अभी एक सज्जन थे जिन्होंने ये कहा कि वहां मेरा नागपुर के अंदर एक डॉक्टर की आवश्यकता है, तो यहाँ डॉक्टर से कहा कि हम मीटिंग के बाद में नागपुर के डॉक्टर से बात कर लेंगे। यानी जुड़ने का ये फायदा है कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके कहीं भी कोई दिक्कत है, ये तो मेडिकल दिक्कत है, आपकी कोई ऑफिस में दिक्कत है, आपकी कोई पुलिस में दिक्कत है, आपकी कोई वकीलों से दिक्कत है, आपकी कोई कहीं पब्लिक में कोई दिक्कत है, आपकी कोई शादी ब्याह है, हारी बीमारी है, बच्चे का स्कूल का आना जाना है, कोई नौकरी है, पैसा है, हॉस्टल है, पढ़ाई है, लिखाई है, और कुछ नहीं है तो कहीं घूमने ही जा रहे हो, जैसे डॉक्टर यूवी सिंह जी घूमने के लिए गए थे अभी बड़ौदरा गए थे, और बड़ौदरा में उनको विदा पीपल के 5 लोग वहां मिल गए तो उनका घर बन गया वहां, यानी कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है बाकी लोग वो संभालेंगे, वहां कोई डर नहीं है। ये फायदा है, तो ये फायदा सभी लोग दुनिया में लेते हैं हमको छोड़कर, क्योंकि हमारा जो जुड़ने और जुड़ने का कार्यक्रम था वो लगभग 5-6 साल से बंद पड़ा है। हम ये भूल गए कि पूरी दुनिया में जुड़ने और जुड़ने का काम हमने तो शुरू किया, पहली दुनिया में जो सबसे पहला जो संघ बनाया, जो यूनिवर्सल संघ बनाया, जो पूरा नेशनलाइज संघ बनाया, जो महाभारत का पूरा संघ बनाया, वो हमने तो बनाया, और उसी संघ का खाली एक ही नाम था, संघ बोला करते थे। ये श्रमण संघ तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि संघ पे कब्जा वमण लोगों ने कर लिया, तो उनका वमण संघ हो गया, इसलिए हमको संघ की बजाय श्रमण संघ बोलना पड़ता है। तो वो जो संघ बुद्ध ने बनाया उसका ये फायदा हुआ कि ईरान से लेके और बर्मा तक सारे लोग एक सूत्र में, धागे में और एक विचारधारा में और एक पंथ के पीछे आ गए, और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार किया। देखो कितना बड़ा फायदा है कि अशोक के बाद जब एक पंथ में बधे हम और धम्म में आए सारे के सारे लोग और एक ही हम विचारधारा में आ गए और जुड़ गए, तो 26% GDP पूरी दुनिया की, आज तो हमारी माइनस में देश की जा रही है, तब दुनिया की 26% GDP, और हम यहाँ के मालिक हुआ करते थे और सारी इंडस्ट्री हमारी हुआ करती थी और सब जगह हम ही काम करते थे और सारे खेत हमारे, सारे खलियान हमारे, राजा हम थे और सारी चीजें हमारे पास होती थी और हम मिलजुल के काम किया करते थे। तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोई जाति नहीं थी, तब कोई वर्ग नहीं था, कोई भेद नहीं था। ये तो सब 500 साल पुरानी कहानी है, जो आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो जुड़ना और जोड़ना जब हमारा चला गया और संघ हमारा चला गया, हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। क्या बुरे दिन शुरू हो गए?
हम जो पढ़े लिखे लोग थे वो चले गए। अब लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे कब थे भाई, अशोक ने जो पत्थर पे किताबें लिखवाई, सबसे पहले तो पत्थर पे लिखवाई क्योंकि कागज था नहीं, पेन था नहीं, तो पहले अक्षर भी अशोक के समय बने हैं जिनको धम्म लिपि बोलते हैं। जब वो पत्थर पे किताब लिखवाई तो खाली किताब लिखवाई यानी पढ़ने वाला तो कोई होगा, तो यहाँ जब कोई था ही नहीं तो हम ही लोग थे, तो पढ़ने वाले हम ही तो थे, वो किताब हमारे लिए थी, तो ईरान से लेके और बर्मा तक जो किताबें पढ़ते थे हम ही पढ़ते थे पत्थर की, और हम ही उनको याद किया करते थे, हम ही बताया करते थे और हम ही उनको उकेरा करते थे। बाद में जब ताम्रपत आ गया, तांबा आ गया, तो उसकी पत्तियां बनाने लगी, उस पर आने लगी, कुछ पत्तियां वैसी भी पेड़ पेड़ों की उस पर भी दिखने लगी, हालांकि वो कामयाब नहीं है। तो पढ़े लिखे हम लोग थे सारे के सारे जब हम इकट्ठे थे, जब हम इकट्ठे थे सारे काम हमारे होते थे, मगर जब हम इकट्ठा होना हमारा बंद हो गया तो देखो पढ़े लिखे लोगों का पतन हो गया और वो अनपढ़ हो गए। जब वो टूट गए और बिखर गए तो वो जो 26% GDP वाले लोग थे वो भिखारी बन गए। जब हम अलग हो गए तो जो हमारे टीचर, जो हमारे वैसे गुरु थे, जो हमारे चिकित्सक थे, जो हमारे वैद्य थे, जो हमारे रोगहारी डॉक्टर थे, वो सारे सारे खुद रोगी हो गए, यानी वो मानसिक रोगी हो गए, वो सारे रोगी हो गए, वो व्यभिचारी हो गए। जब हम सब अलग हो गए, हमारे खानदान अलग बढ़ गए, तो हम आपस में लड़ने भी लगे और हम ये भूल गए कि हम तो एक ही परिवार के लोग थे, हमारे यहाँ तो ना जात थी, ना पात थी, ना टुकड़े थे, क्योंकि किसी भी साहित्य में पुराने में कोई जात के टुकड़ों का, जात का जिक्र नहीं मिलता, वर्ग का भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ समण और बमण का मिलता है। और समण बमण का भी इसलिए बनता है क्योंकि बाहर से जो लोग आए वो वम थे, विपरीत थे, इसलिए समण बमण का जिक्र मिलता है। तो वो सारी चीजें जो हमें मिलती हैं वो हमें इकट्ठा होने से मिलती हैं, और सारी चीजें जो हमारी जाती हैं वो हमारे अलग होने से जाती हैं। अलग अलग होने से हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। जैसे आज के समय जब हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं और अलग अलग मनाते हैं, और 6,743 जातियों के लोग मनाते हैं, या जो लाखों संख्या में उनके लोग मनाते हैं, तो सभी पैसा खर्च करते हैं और लोग उनके बड़े कमाते हैं, और उस जन्मदिन का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर ये सभी लोग मिलके 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाएंगे तो इनका पैसा बहुत कम खर्च होगा और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में पता चलेगा कि 2 करोड़ लोग दिल्ली में एक साथ बाबा साहब का बर्थडे मनाते हैं, एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे और एक फोटो के नीचे। तो 2 करोड़ लोग जब एक साथ बर्थडे मनाएंगे, सड़कों पर आएंगे, तो वो गिनीज बुक रिकॉर्ड वाले हेलीकॉप्टर भेज के फोटो खींचेंगे उस बात का, और पूरी दुनिया में खुद प्रचार करेंगे 750 करोड़ लोगों में। अगर यही 2 करोड़ लोग जब 6 दिसंबर को एक साथ इकट्ठे हो जाए, कहें कि हमारे बाबा साहब का मरण दिन है और हमको उनको श्रद्धांजलि देनी है, आदरांजलि देनी है, तो यही टीवी और मीडिया और सारे सारे इंटरनेशनल मीडिया वाले कैमरे ले लेके आपके पीछे घूमेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार है कि 2 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर एक साथ एक टाइम पे एक साथ खड़े होके उनको मनाते हैं। तो फिर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हैं, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इकट्ठे हैं, उसको खुद पता चल जाएगा, दुनिया खुद कहेगी अरे तो इकट्ठे लोग हैं। तो इकट्ठे लोग होते हैं तो उनका फायदा क्या होता है, उनको एजिटेशन नहीं करना पड़ता, उनको सड़क पे नहीं आना पड़ता, उनको सड़क पे आके डिमांड नहीं करनी पड़ती, उनको अपने MP MLA से ये नहीं कहना पड़ता कि ये काम करना, वो खुद करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि ये इकट्ठे हैं, ये ऐसे करते हैं ठीक जैसे कि 2 करोड़ सिख इकट्ठे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि वो इकट्ठे हैं, तो उनके पार्लियामेंट में काम अपने आप हो जाते हैं, वो कभी नहीं आते सड़कों पे, वो कभी नहीं एजिटेशन करते, उनके काम सारे के सारे सुचारू रूप से पूरी दुनिया में चलते रहते हैं। जैसे मुस्लिम कंट्रियों में जो मुस्लिम इकट्ठे हैं, अगर यहाँ किसी मुस्लिम को दिक्कत होती है तो वो चिल्लाते हैं क्योंकि वो इकट्ठे हैं, इसलिए मुस्लिमों का यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनके पीछे उनके लोग उनके कंट्री में, चाहे बेशक वो लोग यहाँ के भारत के हैं मगर मजहब उनका मानते हैं, उनके साथ इकट्ठे हैं। तो यहाँ बाबा साहब ने हमको कहा कि भाई आप सब इकट्ठे रहना, और चूंकि बुद्ध आपकी अपनी पद्धति है, बुद्ध कोई रिलीजन तो है नहीं, इसको मानना तो पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, हम वो भी नहीं कर पाए, यानी कि हम बचने के हमारे सारे रास्ते बंद हैं। अब हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और जो नौकरियां थी वो सारी सारी नौकरियां जा चुकी हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलेंगी नहीं क्योंकि जात से नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, और काम 12 घंटे लेगा और पैसे देगा 20,000-30,000। तो हमारे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, बस हमारे पास में ऑप्शन है तो एक है कि हम जनसंख्या बल है हमारे पास में, और जनसंख्या बल में संविधान ये कहता है कि जिसके पास जितनी संख्या भारी है भाई मेरे पास आ जाओ, ये संविधान कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह तुम्हारी पूरी सुरक्षा करूंगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हूँ, मैं उनका चेयरमैनशिप में आया हूँ, मैं तुम्हारा भला करूंगा। वो बाबा साहब की पूरी पूरी आपको दुहाई देता है कि आपके अधिकार इसमें बाबा साहब ने दिए हैं, पर कंडीशन है कि आपको इकट्ठा होकर उसके पास जाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं सुनता संविधान।
आप अलग अलग टुकड़ों में बटे रहोगे तो संविधान कभी नहीं सुनेगा, उसका नियम है। वो कहता है अलग अलग आओगे, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इकट्ठे होके आओगे तो जो चाहोगे वो मैं दूंगा, जैसे हुक्म करोगे मेरे आका वैसे मैं आपको दूंगा, ये संविधान का नियम है, ये संविधान कहता है। तो हमें संविधान को जब दुहाई देते हैं कि संविधान हमें बचाएगा तो कैसे बचाएगा, संविधान कहता है कि भाई आप इकट्ठे होके आओगे तब मैं आपके लिए काम करूंगा और तब मैं मजबूत होऊंगा, ये मेरा नियम है। वो नियम आप मानते नहीं, वो नियम आप जानने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आपका मरना तय है, फिर आपको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इसलिए वी द पीपल ने सभी जितने भी लोग हैं, संगठन हैं, जिन्होंने पहले छोटे मोटे काम किए, हालांकि उन्होंने काम खराब ज्यादा किए हैं, अच्छे कम किए हैं। काम खराब इसलिए ज्यादा किए हैं क्योंकि उन संगठनों के रहते रहते हमारे सारे अधिकार चले गए, तो हमारा काम खराब हो गया। और अच्छा काम यह है कि चलो कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो ज्यादा खराब जो खराब काम किया है, अब उनको अपना अच्छा काम करना चाहिए और बाबा साहब की वो बात माननी चाहिए कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। तो इस कड़ी में वी द पीपल ने उनको 2019 में नवंबर 8 को बुलाया दिल्ली के अंदर, एक सभा की और सब में मैसेज भेजा कि भाई आओ, सब इकट्ठे हो जाओ। आए तो वे जरूर, पर उन्होंने सबने एक हिडन तरीके से ये कहा कि हम इकट्ठा तो होना चाहते हैं मगर नेता हम ही रहेंगे, ये उनकी सबकी इच्छा थी, और वो सारे अलग चले गए, उन्होंने फिर जिक्र नहीं किया। मगर वी द पीपल में जो साधारण लोग हैं उन्होंने भी कमर कस ली कि अगर ये नेता नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम नेताओं से नहीं है, वी द पीपल नेताओं से नहीं है, वी द पीपल वी द पीपल से है, हम भारत के लोग से है। तो हमने अपने जैसे साधारण लोगों से बात करनी शुरू करी, और कमाल का रिजल्ट ये आया कि साधारण लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि भाई नेताओं के पीछे मत भागो। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि नेता के पीछे भागना है, बाबा साहब ने तो ये कहा था कि तुम्हें इकट्ठे होना है, ये नेता तुम्हारे पीछे खुद आ जाएंगे। तो हमने इकट्ठा होना शुरू किया और इस बात को प्रचारित करना शुरू किया कि हम समण संघ हैं, क्योंकि नेताओं ने कहा कि संगठन बना लो, हमने कहा संगठन नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारी तरह पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इकट्ठा होने के लिए कौन से पैसे की जरूरत पड़ती है, भाई इकट्ठा होना है, कहीं बात करनी है तो आ जाओ कहीं फ्री की जगह पे, किसी पार्क में आ जाओ, किसी के घर आ जाओ, किसी वाल्मीकि मंदिर में आ जाओ, किसी आहाते में आ जाओ, और अपनी दो दो रोटी बगल में दबा के ले आओ, एक एक पानी की बोतल या पानी वहां मिल जाता है, और पूरे दिन वहां बातचीत करो, रोटी खाओ, निकल जाओ, इसमें पैसे की कहां जरूरत पड़ती है। वही पैटर्न अडॉप्ट किया वी द पीपल ने, वी द पीपल पैसे नहीं लेता पब्लिक से और जिंदगी में कभी लेगा भी नहीं। तो लोगों ने कहा कि फिर आप सब इकट्ठे हो रहे तो क्या करोगे, तो लोगों को एक आशंका रहती है, और उनकी ठीक आशंका है, क्योंकि जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो समाज के नाम से इकट्ठे हुए हैं, सामाजिक, चाहे वो धर्म के नाम से इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो समता सैनिक दल बल के नाम से इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के नाम से इकट्ठे हुए, उन सब की एक इच्छा है और सबका एक उद्देश्य है कि सबको वहां नेता बनना है, किसी को MLA, किसी को MP, किसी को मिनिस्टर, किसी को काउंसलर। और ये बात 100% सच है, इसलिए जब कोई वी द पीपल के आदमी से ये कहता है कि तुम क्या करोगे, तो उसका आशय ये होता है कि तुम नेतागिरी कब करोगे, कब नेता बनोगे, कब टिकट की लाइन में लगोगे, कब पार्टी बनाओगे, ये उसका डाउट रहता है, ये डाउट उसका जायज है उसका पूछना। मगर यहाँ ये बात अच्छी तरह से तय है कि संघ कभी नेतागिरी में नहीं जाता, संघ कोई ब्रांच नहीं बनाता, ये संघ है, संगठन नहीं है, वो पैसे नहीं लेता, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। और इससे बड़ी बात यह है कि संघ का मालिक संघ होता है, इसका मालिक कभी जीवन में व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका एक नियम होता है संघ का कि जिस दिन इसका मालिक व्यक्ति घोषित होगा उस दिन ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक हमारा बंदा था जिसको ये वरदान था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा तो वो मर जाएगा, और वो अपने सर पे हाथ रखेगा तो वो खुद भी मर जाएगा। ये वही कहानी है संघ की कि संघ अगर व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा और व्यक्ति को अगर नेता मानेगा तो संघ उसी समय खत्म हो जाएगा, ये इसका नियम है। तो लोग कहते हैं काम कैसे करोगे, अरे काम ऐसे ही करेंगे भाई जैसे संविधान करता है, संविधान का नेता संविधान होता है, देश का नेता संविधान होता है, वो लोगों को काम देता है। मगर वो लोग संविधान को आके कहते हैं, जब लोकसभा में आते हैं, जब राज्यसभा में आते हैं, तो वो संविधान को इंगित करके कहते हैं, वहां डिप्टी स्पीकर को स्पीकर को इंगित करके नहीं कहते, वो संविधान को स्पीकर, वो हाउस को कहते हैं कि हाउस संविधान है, कि हाउस हमने ये किया, हाउस हमने किया। वही तरीका, वही पैटर्न यहाँ विनय से लिया गया, वही संविधान से लिया गया। इसलिए डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो आंख बंद करके, अगर आपको बुद्ध पे, आपको अंबेडकर पे, आपको संविधान पे यकीन है, तो ये वही नियम है, आप अपनी आंख बंद करके यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आ सकते हैं कि आपकी कोई भी फीलिंग यहाँ खराब नहीं होगी, क्योंकि काम तो आप ही को करना है। काम कौन करेगा, काम तो आप करोगे ना, नियम कौन बनाएगा, नियम तो संघ बनाएगा, और संघ कौन है, संघ तो आप हो, जितना काम करोगे उतना है। तो जो नियम आपने बनाना है वो बना लेना, जो करना है वो कर लेना, क्योंकि संघ सब में
शामिल होता है, संघ को अपना मानता है। संघ का नियम है कि दुनिया में कहीं भी कोई समण समाज का व्यक्ति है वो संघ का मेंबर है। जो ज्यादा काम करते हैं वो एक्टिव है, जो कम काम करते हैं वो इनएक्टिव है, जो यहाँ से लड़ झगड़ के जाते हैं या गाली भी देने आते हैं वो भी इसके मेंबर है, क्योंकि वो समण समाज में पैदा हुए। यही संघ की खास बात है कि संघ कभी किसी को छोड़ता नहीं है, कोई छोड़ना लाख चाहे मगर संघ को नहीं छोड़ सकता, ये संघ का नियम होता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसी के अंदर आना है और वो पहले से इसके अंदर है, इसीलिए आपको जुड़ना है और जोड़ना है, जिद है जुड़ने की, क्योंकि इसका जो नेता है वो संविधान है और संविधान ही आपको बचाएगा, संघ आपको बचाएगा, जुड़ना और जोड़ना आपको बचाएगा, क्योंकि आज तक जो जुड़े हैं वो बचे हैं। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे बचेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां बचेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तक जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे अभी बचेंगे और 100 साल बाद जुड़ेंगे 100 साल बाद बचेंगे। इसलिए आप जुड़िए और जोड़िए, और ये जो वी का निशान है इसको लगाते जाइए, इससे ये पहचान होती है कि आप जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने इस वी द पीपल के जुड़ने और जोड़ने के शब्द में से आधा शब्द ले लिया है, वो ये कह रहे हैं लोगों से जोड़ो जोड़ो, और जुड़ो वाला उन्होंने खत्म कर दिया है, यानी संगठनों में घबराहट फैल गई है। तो वो कह रहे हैं कि हम भी लोगों को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं मगर वो खुद नहीं जुड़ रहे हैं। तो उनसे सब लोगों को कहना चाहिए कि भाई जोड़ो के साथ साथ जुड़ो भी लगाओ, पहले जुड़ो उसके बाद में जुड़ो, और तब तक जुड़ो और तब तक जुड़ो जब तक हम सब एक ना हो जाएं, और जब हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये प्रकृति का नियम है कि जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन पे कोई समस्या ही नहीं आती, फिर कोई आपको पीट नहीं आएगा, आपको मान नहीं आएगा, आपका संविधान बदल नहीं आएगा, जो अधिकार चलेंगे वो अधिकार भी आ जाएंगे। ये गारंटी है, 200% गारंटी है, इसको यकीन के साथ कर लें, इस पर खूब मनन कर लें कि जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन पे कोई आफत नहीं आती, बल्कि वो लोगों पर आफत हो जाते हैं, वो लोगों के लिए जी का जंजाल हो जाते हैं, फिर वो दबंग हो जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अशोक के समय हम राजा थे, हम ही दबंग थे, हम ही पुराने दबंग हैं और हम ही आज के दबंग हैं। इसलिए इकट्ठा होना है और दबंग बनना है, इकट्ठा होना है और बच्चों को बचाना है, इकट्ठा होना है और देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आज आपने हम सब चिकित्सकों को एक नया नाम खोज के दिया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह सर, आपको आवाज मिल रही हो तो आप आए सर। हम इसको थोड़ा बंद करें डॉक्टर साहब, परिचय को। अब राज जी से पहले निवेदन कर रहे हैं कंसेप्ट के बारे में जी। और अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र करना चाहूंगा, डॉक्टर कमल कांत सहारे जी वो भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे इस कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले सर उसमें सुधीर जी को बुला लीजिए, राज जी से विनती है कि वो आए और 9 बजे का कंसेप्ट बताएं। सुधीर राज सिंह जी, पहले जिनको कंसेप्ट के लिए औरों को बुलाया है उनको बुला लेंगे, जो रह जाएगा मैं बता दूंगा, अच्छा रहेगा, मैं बता दूंगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, वो सही कहा सुधीर जी, सही कह रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को बुला लीजिए फिर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आप आए, आपसे विनती है कि आप आए और बताएं सर। सभी को जय भीम नव बुद्धाय। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे नए काफी मेंबर जुड़े हैं। कंसेप्ट वी द पीपल का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंसेप्ट संकल्पना कहिए या इसके पीछे का आइडिया कहिए या विचार कहिए, सोच कहिए, ये संघ, ये जुड़ना सिर्फ जीतने के लिए मत कहिए, सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि जीने के लिए है। जीवित रहना है तो संगठित होना पड़ेगा। इसको आप जो ये कंसेप्ट है वो आया है भगवान बुद्ध के पास से, संविधान में उसका समावेश हुआ और अब हम पुनः एक बार संगठित हो रहे, संघ में आ रहे हैं। आप जाइए अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तब भी हम लोग इकट्ठा हुए थे जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन थी प्राकृतिक,
जिसमें जिसको कहिए जंगल राज, जो हर कोई हर किसी का भोजन होता था और इकट्ठा न होते तो आज हम जीवित नहीं होते। सब लोग जो जीवित हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, मानव जाति इकट्ठी है, वो इसीलिए है कि हम लोग इकट्ठा है। उसको नए नए परिवेश में अगर आप देखें, नए परिवेश में देखें, तो संविधान की जो मूल भावना है वी द पीपल, उसका मतलब ही ये है कि हम लोग इकट्ठा होके अपने संवैधानिक अधिकारों को, समान अधिकार, समता, बंधुत्व, भाईचारा, जस्टिस, इनको किस तरीके से हम लोग सुरक्षित रखें, किस तरीके से अपनाएं। अभी भी कुछ चीजें जो है ना, जिस तरीके से जुड़ना चाहिए उतना जुड़ाव दिख नहीं रहा है। कुछ कुछ चीजें ये हैं कि जैसे हम लोग जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, संभव है क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग क्षेत्र में, अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग प्रोफेशन में है, लेकिन अगर हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर की बात बता रहा हूँ, मेरा संपर्क रोज ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और भी रीजनल लेवल के हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर से रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे बीच में जूम मीटिंग में वो सारे नहीं होते हैं। जब उनसे बात होती है तो पता लगता है कि वो किसी न किसी वजह से, जो हम देख रहे हैं कानपुर में मेडिकल कॉलेज के, हमारे समर समाज के जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, 99% को हटा दिया गया। अब इस समय इस कॉलेज में कोई बांदा में है, कोई उरई में है, कोई फतेहपुर में है, कोई बदायूं में है, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। ये चीज जो है ना, अब जुड़ना एक बहुत जरूरी चीज हो गई है। सुधीर राज जी जो बताते हैं कि इतना जल्दी जुड़ेंगे जीतेंगे, मेरा इसमें और जुड़ वो है, एक एडिशन है कि जुड़ेंगे तभी जीवित रहेंगे। तो सब लोग जो है ना, सभी लोग अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करें, जोड़ें, यही इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने संवैधानिक और अपने आप को जीवित रखें। हम लोग जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। हेलो, के सहारे साहब को बुला लीजिए थोड़ा। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, नमो बुद्धाय। जय भीम। अरे नमो बुद्धाय। जय भीम। हरिश्चंद्र जी थोड़ा शांत रहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। कॉन्सेप्ट के बारे में मेरा बहुत क्लियर कट विचार ये है, मेरी आवाज सुनेंगे कृपया? मैं सबको म्यूट किया दे रहा हूँ, आप अपने को, आप अपने को। हाँ भैया आ गए भाई, अनम्यूट करो भाई डॉक्टर व्यास। हाँ जय भीम सर। हाँ जय भीम भैया, कैसे हो? बस सर ठीक है सर। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगा देख के आपको, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। हाँ बहुत दिन बाद आपका चेहरा देखने को मिला मेरे को। हाँ तो रह कहाँ रहे हो? मैं सर ग्रेटर नोएडा में ही रह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो वो 5 साल वाला एक्सटेंशन मेरा तो पूरा होने वाला 3 महीने बाद, आपका भी है क्या? नहीं मैंने ज्वाइन तो कर लिया है इसमें सर। अच्छा हाँ, तो अभी मेरा तो वो टाइम है सर। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा। अब अभी बुलंदशहर में ही हो ना? हाँ मैं बुलंदशहर में ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर लाल भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे सर? ये डॉक्टर व्यास जो हैं, इनको मैं 96 97
ये वो मेरे मित्रों में से हैं जो भाई बहुत लंबे समय से अक्सर मिलते जुलते रहे। हाँ, जी सर। तो बड़ी खुशी होती है यहाँ देख करके एक दूसरे को। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय बहन जी। सर डॉक्टर कंचन कैसी हो बहन जी, ठीक हो? आपकी यात्रा अच्छी रही सर। हाँ भाई, अहमदाबाद बड़ौदा जी। ये सब देख के आया। 23 तारीख को तो वहाँ स्पोक्स पर्सन की मीटिंग भी हो गई बड़ौदा में हमारी। जी मंत्री जी भी मौजूद थे वहाँ, दिल्ली वाले मंत्री जी भी। हाँ जी, फोटो देखी थी हाँ, मैंने। तो 23 सितंबर को बड़ौदा में बहुत अच्छा लगा। हाँ, 6-7 हम लोग स्पोक्स थे उसके, गुजरात के। तो एडवोकेट थे रामचंद्र जी, छुट्टन लाल भाई थे, और अहमदाबाद के भी वहाँ साथी आए थे। तो अच्छा लगता है जब फिजिकल मीटिंग भी होती है तो अच्छा लगता है। आपकी 25 तारीख की मीटिंग हम दिल्ली वाली अटेंड नहीं कर पाए बहन जी। जी, कोई बात नहीं सर, सब अलग जी अलग काम करते रहे, काम होना जी चाहिए सर। जी जी आपकी भी बहुत इम्पोर्टेंट थी मीटिंग सर। जी बहुत हाँ, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी मीटिंग हुई हमारी भी 25 तारीख हाँ मैंने सुना उसके विषय में, बहुत की। खुशी हुई भाई, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ सर। तो हाँ भाई, ये सुरेश जो हैं हरिद्वार वाले भैया मेरा, वो मैं घनसाली आने वाला हूँ, पहाड़ का दौरा मेरा सर हाँ, है निश्चित। जय भीम सर, जय हरिद्वार, भीम सर, जय संविधान, स्वागत जय है सर आपका। मैं संविधान। तो पूछने ही वाला था आपको कि कब आ रहे हैं सर। मैं ये जो दिवाली की जो छुट्टी होंगी इसमें मैं हरिद्वार, टेहरी, और मैंने ऋषि नगर के एक भाई हैं उनसे बात हुई थी आज मेरी। तो जी। हाँ, तो बातचीत मैं करता रहता हूँ, मुझे अपने पर्वतीय क्षेत्र के भाइयों से मुझे 40-35 साल पुरानी यादें ताजा करनी होती हैं। तो मैं आऊंगा, बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल। अब मेरी वरीयता है, मैं पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड में, और हाँ खास तौर पर आदर सभा संगठन की ओर से। भैया, आप लोग इतना प्यार करते हो इसमें कहीं कोई शक मुझे नजर नहीं आता। इतना प्यार, इतना सम्मान भाई लोग करते हैं, मैं तो अपने को बहुत धन्य समझता हूँ भाई। हाँ, बिल्कुल 4.5 साल पहाड़ में ऐसे बीते जैसे मेरा घर है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जी। इतने लोगों से दोस्ती हुई, खवाड़ा वालों से, थाती वालों से, पिलखी वालों से, टेहरी वालों से, सब दोस्त बन गए थे। इस बार आपकी देवप्रयाग वालों से दोस्ती करवाई जाएगी सर। देवप्रयाग जो ना टेहरी से थोड़ा अलग हटके पड़ता था, तो उस जी जी जमाने में मैं देवप्रयाग की तरफ रुक नहीं पाया। पौड़ी जी जाते हुए तो रास्ते में पड़ता था लेकिन वहां जी रुका नहीं। हाँ जी सर, पौड़ी में भी मुलाकात की, नैनी डांडा में भी लोगों से, मैं वहां रहा 1 साल नैनी डांडा। तो जी। लेकिन पौड़ी के लोगों से, 15-20 साथियों से वहां मेरी मुलाकात हुई थी पौड़ी के अंदर। अच्छा, तो वो रिश्ते भैया अभी भी प्रेरणा देते हैं, बहुत बिल्कुल याद आती है उन रिश्तों की। जी। देखो हम तो आइए, भाई अनजान थे, अजनबी थे, लेकिन लोग कितना बाबा साहब का नाम लो, और देखो जी लोग कितना मतलब दाएं बाएं इकट्ठे हो जाना और हर तरीके की मदद करना, घुमाना साथ। लोग मेरे को ले जाते थे अपनी बस्तियों में, वहीं मैं रुकता था उनके साथ। जी बाबा साहब के नाम में ही दम है सर। बिल्कुल। नहीं तो देखिए कि यूएसए से, यूरोप से लोग जुड़ते हैं, और कहां एक छोटे से गांव का रहने वाला सुरेश चंद उसका नाम ले लेकर के पुकारते हैं, है ना। आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं सर, मैं एक छोटा सा कपरौली गांव है मेरा, कीर्ति नगर ब्लॉक में, और आप जी देखिए सर कहां से मुझे जानते हैं। तो ये बाबा साहब की देन है सर।
बहुत बहुत भैया, कितनी ताकत है मिशन में, कितनी ताकत है, कितना अट्रैक्शन है, कितना खिंचाव है। ये मैंने इसको मैंने पिछले लगभग पूरे जीवन में भैया 75 में घर छोड़ दिया था और आज लगभग 46 साल का ये हो गया है। आप इस नाम के साथ जहां भी जाएंगे जी, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं कानपुर वाले, वो भी हमारे साथ वहां टेहरी में, पौड़ी में, अखौड़ी शायद एक जगह थी वहां उनकी पोस्टिंग थी शुरू में, जी जी जी, खंडोगी खंडोगी, हाँ खंडोगी, इस तरीके का था कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आइए सर अपनी बात अपने आप बताओ। हम लोग साथ में रहे, जाखणी धार जगह थी वहां उसी पास में, खंडोगी जगह थी वहां पर रहे थे उस समय। एक साल बाद फिर ऋषिकेश में आ गया था और जो जहाँ पर कभी शुरुआत की थी वो मेरे सामने डूबता हुआ नजर आया, जिसे आज न्यू डेयरी कहते हैं। जी जी जी, उस समय वहाँ पर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुमन हॉस्पिटल हुआ करता था। जी जी जी, पुरानी टेहरी का पुल, हाँ वही हॉस्पिटल था सुमन हॉस्पिटल। जी सर, नंदगांव में हम लोग इकट्ठे होते थे कई लोग, वही रास्ता था। डॉक्टर साहब कीर्ति नगर रहे हैं, प्रताप नगर रहे हैं, मैं नए नगर में भी रहा हूँ, ऋषिकेश में 4 साल रहा हूँ जी। हम लोग आपके बड़े करीबी लोग हैं सुरेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ आइए सर, आप भी आइए फिर साहब के साथ में, डॉक्टर साहब तो आ ही रहे हैं, आप भी आइए सर। हाँ बिल्कुल आएंगे अभी, वैसे तो हमारा इस बहाने सर एक कैंप भी लगा लेते हैं अपने लोगों के लिए, थोड़ा सा सहूलियत भी हो जाएगी। हाँ हमारे क्षेत्र में कुछ समय पहले प्रपोज करना पड़ेगा, हालांकि मेरा अभी एक प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में देहरादून का है, 3-4 रोज का। जी जी, तो, जी। हाँ लेकिन वो व्यस्त प्रोग्राम है, हमारे कुछ दोस्त बाहर से आ रहे हैं, USA से आ रहे हैं और तो हम लोग व्यस्त हैं, लेकिन आप प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब परिवार आएंगे। जी बिल्कुल सर। देहरादून में डॉक्टर साहब डॉक्टर OS कपूर करके है, लिखा कपूर है, वैसे वो 76 बैच का है। और वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं, हस्बैंड वाइफ देहरादून में। देहरादून में, अच्छा जी। मेरी जो मुलाकात हुई थी उनसे, मैं गया था सितंबर के महीने में देहरादून। तो नंबर वगैरह दीजिएगा, मैं आपको तो, भेज दूंगा डॉक्टर। हाँ भेज दीजिए, कांटेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब अभी आज अगर नेक्स्ट वीक में अगर आप आएंगे देहरादून तो मैं भी आजकल देहरादून ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो भेंट हो जाएगी वहां से। एक मेरा दोस्त है विकास जैन, जी जी, हर्बर्टपुर में है, विकास नगर के पास में जी, तो वो हमारा बैचमेट है। तो हमारे और जो हॉस्टल के साथी हैं, हमारे बैचमेट हैं, वो बाहर भी हैं, उनमें से दो एक वहां से आ रहे, कुछ पंजाब से आ रहे, तो सब लोग गेट टुगेदर एक है, तो देखेंगे हम आपको, टाइम मिला तो जरूर कांटेक्ट करेंगे। इस समय देहरादून में क्या है, आप क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ सर, जॉब करता हूँ। वेरी गुड, यहीं पर आजकल मैं आ रखा हूँ। अच्छा है, तो आप आइएगा सर। देहरादून में कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं इधर हूँ सर, क्या नाम से ये सुद्धों वाला है ना, जहाँ पर ये पॉलिटेक्निक वगैरह है, यहाँ नहीं जगह का नाम बताओ। देहरादून में सुद्धों वाला है सर, सुद्धों वाला, हाँ सेलाकुई के पास में ही है। सेलाकुई के आगे ही तो हर्बर्टपुर है। हाँ जी, इसी रोड पर है आगे सर, विकास नगर, हर्बर्टपुर, सैंसपुर वगैरह इसी रोड पर है। सेलाकुई का बहुत फेमस रिजॉर्ट टाइप का होटल है, मैं वहाँ रुका हुआ था। जी जी जी, जिसमें जिसमें आपको याद दिलाएं, महेंद्र धोनी का रिंग सेरेमनी वही हुई थी। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल सर, सेलाकुई में तो अच्छी जगह है जी, बढ़िया जगह सर इधर है।
ठीक है सर, आइएगा सर। आप जो है ना डॉक्टर यूवी सिंह से कांटेक्ट रखिएगा, डॉक्टर यूवी सिंह तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, हम उन्हीं से लेंगे। सर से तो मेरा बहुत पुराना कांटेक्ट है सर। ऐसा लगता है कि सर को मैं वर्षों वर्षों से जानता हूँ, शायद ऐसा लगता है मुझे तो। हमारी बातचीत भी होती है सर से। अब सबको जानना चाहिए कायदे से, ये जो संघ है ये सबको जानने के लिए ही है। और बिल्कुल सर, अब ये अलग अलग नाम भले हुए हो जाए लेकिन अब तो संघ के रूप में ही एक दूसरे को जानेंगे, अच्छा रहेगा। और भी डॉक्टर यूवी सिंह जी, और भी जो अभी कितने लोग हो गए हैं हम लोगों के यहाँ? 34 50 हाँ। के बाद शुरू करेंगे, तो आज नए लोगों का भी परिचय पहले ही करवाएंगे ना? हाँ, वो तो प्रोग्राम तो उन्होंने डॉक्टर यूएस लाल ने संभालना है सारा, उन्होंने देखा है। हाँ, मैं तो शुरू में जो है ना शुरू में थोड़ा कोशिश करता हूँ, फिर बाद में डॉक्टर यूएस लाल संभालेंगे लखनऊ। सर बगैर आप लोगों के गाइडेंस से कुछ नहीं हो पाएगा। जीरो आवर का ये रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए ना, जीरो आवर में कुछ भी बोलते है ना। तो 50 का इंतजार कर रहे ना जी सर, अभी 37 हुए हैं लोग। हाँ ठीक है। हाँ ये ओम प्रकाश जी, हाँ जरा ओम प्रकाश जी आ जाओ भाई, आप बहुत सारे दोस्तों को पकड़ के लाए होंगे। अभी सम्मानित, हाँ सभी सम्मानित छात्र, जय भीम नमो बुद्धाय सर। आज मैं किसी विशेष मीटिंग में गया हुआ था जो मुझे बुलाया है, और डॉक्टर है जो इंडस्ट्री में ये दो उन्होंने भेंट की बाबा साहब की, और एक ऐसी बुक भी जिसमें हम लोग कर रहे हैं उसमें बाकायदे लिखा हुआ सर, देखिए आप, मैं दिखा सकता हूँ, वी द पीपल, यानी कि वी द पीपल का नाम हमारे बहुत पहले से चल रहा है, स्पेशल वी द पीपल का है बुक। तो या इसका मतलब मैंने समझा कि हम तो बहुत कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा जो कंसेप्ट है वो गुड है, हमें जितना चाहिए वो करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, और बहुत नाइस रहा आज का कार्यक्रम भी, बहुत अच्छा रहा। और 10 से 12 तो आईएएस ऑफिसर भी आए, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने यही बोला कि जो बहुसंख्यक समाज है अपना, इसके लिए काम करना पड़ेगा, हमारी भागीदारी नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और जो वी द पीपल करना जा रहा है वो कर रहा है, क्योंकि वी द पीपल ही बहुत जरूरी है, वी द पीपल ही है, हर दवा का इलाज है सर, जो व्यक्ति वी द पीपल को समझ जाएगा, कंसेप्ट को समझ जाएगा, वो हर हर काम से मुक्ति मिल सकती है उसको, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सुंदर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, ओम प्रकाश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, मैं तो जितने कम समय में आप जुड़े हैं उतने कम समय में इतना बड़ा रोल आपका मैंने देख लिया है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है भाई, आप जैसे भाई को, आप करते रहो मेरे भाई, आप जैसे यूथ की जरूरत है मेरे भाई, इस समाज को जो है बहुत जरूरत है भाई। डॉक्टर कंचन लता, आप प्रीएम्बल पढ़ने के लिए तैयार है ना? जी सर। हाँ, आपका जो नाम है वो प्रीएम्बल पढ़ने के लिए है जी, और उसके बाद कंसेप्ट को डॉक्टर के सहारे, सुधीर राज जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, 9 बजे कंसेप्ट होगा, और एंकरिंग में डॉक्टर सीमा, डॉक्टर तीरथ बाला, डॉक्टर राजकुमारी बंसल, डॉक्टर यूएस लाल। तो भाई डॉक्टर यूएस लाल जी, देखो अब 38-39 हो गए भाई, देखो हम जरा अब पर्दे के पीछे बैठ जाते हैं जाके, अब आगे का आप संभालो भैया डॉक्टर यूएस लाल, और जो जैसे जैसे ये लोग आते रहेंगे डॉक्टर सीमा प्रकाश, तो आपस में आप शेयर करते रहिए,
लोगों को इनवाइट करिए परिचय के लिए। हाँ डॉक्टर आर सी व्यास, डॉक्टर सहारे, डॉक्टर कंचन लता, डॉक्टर वीरेंद्र जी, ये इतने सारे डॉक्टर तो मुझे नजर आ रहे हैं, डॉक्टर अरुण गौतम, इनको बुलाओ भैया, परिचय दें अपना डॉक्टर्स। डॉक्टर अरुण गौतम जी रिटायर्ड हैं डॉक्टर साहब, आए डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो जी हेलो, हाँ बोलें डॉक्टर साहब। हाँ जय भीम, जय मूल निवासी सर, मैं डॉक्टर एके गौतम हूँ, फरवरी 2020 में स्वास्थ्य भवन लखनऊ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एडी गोपन था और अभी पुनर्नियोजन पर आई सर्जन के पद पर सीतापुर में कार्यरत था। इस समय संविदा पूरी हो गई है और घर पे ही हूँ सर। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस परिवार में, बहुत वरिष्ठ साथी हैं आप, तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो छोटे भाई हैं हमारे मेडिकल प्रोफेशन के, जी जी, तो उन्हें या तो भैया देखो टेलीफोन करो या उनसे मिलने जाओ, इनको जोड़ने की जरूरत है भैया देखो। जिले में सीतापुर में जितने भी भाई बहन हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के, डॉक्टर साहब देखो समय तो नहीं होता है डॉक्टरों के पास, लेकिन अगर भावना पैदा हो जाए तो लोग इकट्ठे होते हैं, लोग समय भी देते हैं डॉक्टर साहब, तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं, ऑर्गेनाइज करने वाला करेक्टर अगर है तो लोग सपोर्ट करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। तो सपोर्ट करते हैं सर, समय नहीं दे पाते वो लोग, बस ये दिक्कत है। डॉक्टर साहब देखो वो अपने क्लिनिक है, अपने काम है, तो लेकिन अगर वो 10 मिनट बातचीत भी करते हैं आपके साथ टेलीफोन पर, आपको आपका मैसेज अटेंड करते हैं, आपकी कॉल अटेंड करते हैं, और डॉक्टर साहब वो लोग घर में बैठ कर के भी बहुत सेवाएं दे सकते हैं। हम यहाँ बुलंदशहर में हैं डॉक्टर साहब, टेलीफोन करने से ही लोग बहुत ध्यान देते हैं, कोई मिलना जुलना मैं इसे आवश्यक नहीं समझता हूँ। तो कोई मरीज आता है उसके बारे में जब हम किसी सर्जन के पास भेजते हैं, किसी फिजिशियन के पास भेजते हैं, तो वो लोग उनको एंटरटेन करते हैं, तो काम से मतलब है डॉक्टर साहब, समय नहीं देते हैं वो अलग बात, काम तो करते हैं सर, इतना तो कम्युनिटी के लिए वो कर रहे हैं, और पैसा भी देते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मैं पैसे के बारे में भी आपसे यहाँ ये ओपन विषय नहीं है पैसे वाला, कंट्रीब्यूट भी लोग करते हैं डॉक्टर साहब, मतलब मैंने तो स्वयं जो है लोगों से जब भी अपील की किसी कार्य के लिए तो लोगों ने पैसा भी दिया, और हमने बुद्ध विहार के निर्माण के लिए और किसी स्टूडेंट की मदद के लिए हम लगभग पिछले 40 सालों से अक्सर लोगों को ये सब काम करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। छुट्टी में रह चुके हैं जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूएस लाल साहब सर, 50 लोग हो चुके हैं, 52 लोग सर, स्टार्ट किया जाए सर। जी 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 हेलो, जय भीम, जय भीम डॉक्टर साहब, जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान सर, ट्रेम्बल शुरू करूं क्या? जी 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 थैंक यू सर। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधान या किसी नियम की जरूरत होती है, ये एक सत्य है, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राज्य हो, किसी भी चीज को अगर व्यवस्था रूप से चलाना है तो उसके लिए किसी न किसी नियम को उसमें बांधना पड़ता है, नियम में। किसी भी देश की गरिमा सुरक्षा अक्षुण रहे इसके लिए संविधान की जरूरत होती है, संविधान में देश के नागरिकों के हित
सुरक्षित रहे ये सुनिश्चित होता है। संपूर्ण संविधान की मूल भावना उसकी प्रस्तावना में निहित होती है। भारत का संविधान, मैं उसके उद्देश्य का पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निवेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एरर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मासित करते हैं। जय संविधान। जय संविधान। डॉक्टर साहब अपना परिचय भी दे दो भाई। जी जी सर। हाँ, मैं डॉक्टर कंचन लता रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा और बुलंदशहर में रहती हूँ सर। फिलहाल गीता पीपी की एक इकाई के रूप में कार्य कर रही हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर यूएस लाल, जो भी डॉक्टर्स हैं ना भैया, मेरे हिसाब से आज परिचय चाहे वो पहले से मीटिंग में रहे हैं भैया, सबका करवाओ। सबका सबका हो जाएगा सर। ऊपर से शुरू कर दो आप। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मच। आज वी द पीपल की शुरुआत हो चुकी है, संविधान की उद्देशिका पढ़ी जा चुकी है। सबसे पहले मीटिंग के लिए जो भी साथी परिचय देना चाहते हैं वे अपना हैंडल करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी बुलाने में। और अब शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आरसी व्यास सर जुड़े हुए हम लोगों के बीच में। डॉक्टर आरसी व्यास सर अपना परिचय दें। जय भीम साथियों। जय भीम महोदय। जय संविधान सर। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद व्यास है। मैं पीएमएस से रिटायर्ड हुआ हूँ जनवरी में। उसके बाद से मैं हाथरस में पुनर्नियोजन पे एज ए एनेस्थेटिस्ट वर्क कर रहा हूँ और मैं ये ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ। ये मेरा परिचय है। और आपसे तो एक बार यूएस लाल साहब फोन से भी बात हुआ था मेरा। जी जी सर, आपसे बात हुई है। थैंक यू सर, जुड़े रहिए। और हमारे बड़े आए एक लाल साहब, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान। मैं डॉक्टर कमल किशोर सहारे, संचालक प्राध्यापक के पद पर चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत हूँ। अभी मैं मतलब कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में मैं दिल्ली आया हूँ, इसलिए बीच बीच में मैं कुछ क्षणों के लिए गायब हो सकता हूँ, तो आप बियर करिएगा प्लीज। और हमारा जो संघ है बहुत सुसंचालित तरीके से चल रहा है, इसमें कोई बाधा ना हो इसके लिए हम लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाई समण समाज के लोग जुड़े जोड़े और इस काफिला को अंत तक ले जाएं। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू। अब हम लोगों के बीच में संजय वानखेड़े जी जुड़े हुए हैं। संजय वानखेड़े साहब आइए, अपना परिचय दीजिए। हाँ सर जी, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हेलो। हाँ, आवाज आपकी आ रही है सर। हाँ सर जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सर प्लीज। कैसे कपड़े पहने? हाँ, मैं जुटता हूँ और लोगों को जोड़ने का भी काम करता हूँ, सबको मैसेज देता हूँ और कॉल करता हूँ।
और आपको 8 बजे मिलता हूँ। और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जुटते रहो, जुटाते रहो, जीतते रहो, इतना ही संदेश, जय संविधान, जय मूल निवासी, इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू लाल सिंह सर, डॉक्टर लाल सर, थैंक यू एंड डॉक्टर सिंह सर, ऑल डॉक्टर। परिचय संजय साहब कहाँ से हैं? हाँ, मैं सर संजय वानखेड़े, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ओ अच्छा अच्छा, अजंता एलोरा से हो? हाँ अजंता एलोरा। सर साहब जी, आप सभी को निमंत्रण है, इधर आओ। मिलिंद कॉलेज भी देख लिया भाई हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भैया हैं संजय वानखेड़े जो हैं, ये औरंगाबाद से हैं, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा वो स्टोन वहां पर आज भी मौजूद है। और अजंता एलोरा, ये जो केव है, बुद्धिस्ट केव, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मेरा सभी 65 भाइयों से अनुरोध है कि संजय वानखेड़े जी का नंबर लेके उनके यहाँ मेहमान नवाजी जरूर करें, सबसे अनुरोध है मेरा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब नंबर डलवा दीजिएगा भैया। लो एक तो शुरू, एक ने तो नंबर पूछ लिया भाई। संजय भाई नंबर डाल दो अपना। ठीक है, थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर आर के बोध जी हैं, आर के बोध जी आए, अपना परिचय दें। तथागत बुद्ध नमन करते हुए सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आर के बोध कानपुर से हूं और भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूं, दिल्ली में हूं इस समय, और मैं डॉक्टर कंचाता जी के माध्यम से जुड़ा हूं। थैंक यू सर, जुड़े रहिए आप और भी लोगों को जोड़िए। प्रसाद सर हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, आप अपने परिचय दें। आरआर हॉस्पिटल जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर सबों को। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर, मैं पश्चिम बंगाल बैंदेल से हूँ, रेलवे रिटायर्ड हूँ और हमें बीडी चौधरी साहब के द्वारा आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, उनको धन्यवाद देता हूँ सर। और लोगों से इस बारे में बात करता हूँ, बोलता हूँ इससे जुड़ने के लिए। और मैं एक विद्यार्थी के रूप में सर आप लोगों के संग प्रतिदिन लगभग जुड़ रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से। बहुत सुंदर, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू सर। अब हम लोगों के बीच में डॉक्टर अरुण कुमार गौतम सर हैं, सर आप आए और अपना परिचय दें। डॉक्टर अरुण कुमार गौतम सर, सर आपका माइक बंद है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। ओके सर। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम सर। मैं डॉक्टर अरुण कुमार गौतम, ईडी गोपन स्वास्थ्य भवन लखनऊ से सेवानिवृत्त हुआ फरवरी 2020 में, और अभी एक साल पुनर्नियोजन पर कार्य करके आई सर्जन के पद से, फिर संविदा समाप्त हो गई, अब घर पे ही हूँ सर, और अपने साथियों के साथ समाज से जुड़े कार्यों में लगा रहता हूँ सर। और प्रयास है कि जो आप लोग कारवां चला रहे हैं, मैं इसमें सहयोग करता रहूं। थैंक यू सर, जुड़े रहिए। सीतापुर में ढेर सारे लोग हैं सर वहाँ पे। डॉक्टर अरुण नंबर अपना डाल देना भैया चैट बॉक्स में। सर सीतापुर में और जो लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए सर, सीतापुर में ढेर सारे लोग हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, बने रहिए। एक है गौतम सर। जी सर। हाँ सर। हाँ मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। जी जी, बहुत सर। बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। ठीक सर, ठीक। ओके सर, थैंक यू। इस कड़ी में अब मैं हंसराज जी जो हमारे बीच में हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना परिचय दें। हंसराज जी हंसराज जी, सर आपको क्या आवाज आ रही है? सर अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज।
हंसराज जी। हेलो सर, बोले सर, अब आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट सर, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आवाज आ रही है। हाँ जी सर, मैं हंसराज फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी सर। और मैं पीछे से राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी जी सर। आप कहाँ पे हैं सर अभी? अभी क्या जी करते हैं आप क्या करते हैं सर अभी? फरीदाबाद में प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। अच्छा अच्छा सर। जी सर। जी सर, प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और खासकर वो लोग जो ये कहते हैं ना कि बिना नेतृत्व के किस तरीका से संगठन चलेगा, किस तरीका से संघ चलेगा, मैं उनके लिए बाबा साहब के द्वारा कही हुई वो लाइन कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा है कि धर्म के अंदर आस्था की भावना को लेकर के अगर आप किसी के ऊपर मतलब विश्वास करोगे तो वो आपको मोक्ष प्राप्ति तक तो ले जा सकता है, लेकिन राजनीति या किसी प्रकार का संगठन में अगर आप किसी नेता की पूजा करोगे तो वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये बात रखते हैं कि बिना नेता के संगठन कैसे चलेगा, संघ कैसे चलेगा, वी द पीपल कैसे चलेगा, उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि उसमें नेता हो, क्योंकि नेता होगा तो मनमानी भी होगी, अपना खुद का नेतृत्व तो बचाए रखने की वजह से कुछ अपने लोगों को विशेष महत्व देंगे, दूसरों को थोड़ा नीचा दिखाएंगे, खुद बड़े दिखेंगे। तो इस तरीका से मेरा मानना यह है कि बिना नेतृत्व के भी मतलब संघ को के नियमों को बनाए रखा जा सकता है, बस अनुशासन की जरूरत है और सबको बराबर की सहभागीदारी मिलेगी। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम सफल हो सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर, सफलता मिलेगी। वी द पीपल से जो लोग भी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग आगे जाने वाले हैं, सफलता जरूर मिलेगी हम लोगों को। इस क्रम में अब हम लोगों के साथ जुड़े हुए धर्मवीर सिंह जी, कृपया आए और अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। धर्मवीर सिंह जी, ब्लूटूथ कैसे अचानक से? आपको आवाज मिल रही है सर? धर्मवीर सिंह लगता है सर को आवाज नहीं मिल रही है। हम लोगों के बीच में जय सिंह चिरंजी सर, आप आए अपना परिचय दें। जय सिंह जी, आप सभी सम्मानित आदरणीय सम्मानित साथियों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा परिचय सर पहले भी हो चुका है, परसों के दिन, दो दिन पहले परिचय दे चुका हूं मैं, तो मैं चेन्नई रेलवे में कार्यरत हूं अभी। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने साथी मेरे साथ जुड़ सके इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अंतराज जी ने जो परिचय दिया था उन्हें मैं नहीं बताया था, मेरी कोशिश कुछ रह रही है कि मैं जोड़ सकूं जितना हो सके उतना। और सर मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सम्मानित साथी होंगे जो अभी जिनके इर्द गिर्द में पूजा पाठ का जो सिलसिला अभी जारी है, तो मैं चाहता हूं कि दो शब्द मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा अगर आपका आदेश हो तो। नहीं, बोले सर, बोले सर। मैं कहना चाहता हूँ पूजा करने का जो संदेश है हमें मनुवाद से मिलता है, जो मनुवाद एक वो है जो मनुस्मृति से प्रेरित है, और उसमें क्या होता है, मनुवाद एक पापियों का झुंड होता है। पाप से बचने के लिए लोग पूजा का आश्रय लेते हैं जो कि निरर्थक है सर। पूजा बह आडंबर है जिसमें लोग रुचि देते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं सर। पूजा से बचने का साधारण उपाय यही है कि अपने आप को दुनिया के सामने बेहतर साबित करो। पेरियार जी दुनिया का वह शख्स था जिन्होंने ढोंग की हत्या कर दी थी और अपने आप को दुनिया के सामने बेहतर से बेहतर साबित करके दिखाया था। और अगर तुम्हें लगता है, मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता हूं, मेरी छोटी सी एक सोच है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं तो पूजा पाठ और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, बस सही और गलत की पहचान करो और अपना बहुमूल्य जो कीमती जो जीवन है उसको सार्थक बनाओ। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। यही बुद्ध ने भी बताया है
उनके मार्ग का अनुसरण करना हम लोगों को जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हम लोग इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के बीच में डॉक्टर के एल चौधरी सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चौधरी सर प्लीज आए और अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें सर। डॉक्टर के एल चौधरी सर, सर आपको आवाज मिल रही है? लगता है सर को आवाज नहीं मिल रही है। अब हम लोगों के बीच में गुलाब सिंह जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सर तो पुराने, ठीक। राम अवतार सर जुड़े हुए हम लोगों के बीच में। सर आप आए प्लीज। राम अवतार सिंह सर, सर आपको आवाज मिल रही है? राम अवतार सिंह जी, लगता है सर को आवाज नहीं मिल रही है। अब अगले साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये B7E9FT66। सर ये आप आए और अपने बारे में बताएं और अपना नाम भी लिख दें सर इस पे, ताकि आगे से आपको नाम लेके पुकारा जा सके। अनु बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। अनु बौद्ध जी, आपको आवाज मिल रही है? यस सर, आवाज मिल रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी परिचय दीजिए, अपना डिटेल बताइए। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। नहीं नहीं, आप बोले बोले, आपकी आवाज मिल रही है? बहन जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? लगता है बहन जी का कनेक्शन टूट गया है। नहीं नहीं, आ गई। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, राधे श्याम बोल रहे कानपुर से। जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो। हाँ अनुभव जी, अपने बारे में बताइए। जी सर, जी सर, जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जी बताएं। मैं पढ़ाई कर रही थी तो काफी समय के बाद जुड़ी हूँ आज। अच्छा लग रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, इतना कीमती समय समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत अच्छा एक समाज के लिए एक मूवमेंट आप लोगों बनाया है, खड़ा किया है। इससे हमारे समाज में काफी जागरूकता आ रही है और देखते हैं कि हमारे सभी तरह के अधिकारी लोग जो हैं, ऐसे ये होता है ना मीटिंग में समय भी पता नहीं चलता है और हम अपने समाज को एक मजबूत कड़ी में बांध भी सकते हैं और उसको जोड़ने का भी काम करते हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने काम किया था, जिस तरीके से छत पर साहू जी महाराज ने काम किया था, जिस तरीके से हमारे सभी महापुरुषों ने काम किया था, उसी तरीके से आप सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये सब देख के बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे पास समय के अभाव से ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। देखो हम देवी देवताओं का विरोध नहीं कर सकते हैं। जो जैसे जैसे पॉइंट चल रहा है कि देवताओं पे बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। अनु कहाँ से हैं आप बेटा? अनु कहाँ से हो, परिचय दो अपना पहले। मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, गोमती नगर भी बोखंड में। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक ठीक ठीक। आप अपना जो काम है, अपनी जो स्टडी है, अपना जो आपका अध्ययन है बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, और जो भी आपका, आप करती क्या, अभी स्टूडेंट है, एकेडमिक कैरियर क्या आपका? वेरी गुड। अभी आप अपने स्टूडेंट कैरियर को मजबूताई के साथ बनाइए और बाबा साहब का अध्ययन भी साथ साथ रखिए। बहुत सुंदर, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ बेटा, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ
और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हूँ। अब हम लोग के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हूँ और मेरे पास सभी महापुरुषों की बुक्स भी रखी हुई है। ये देखिए सर, मैं बुक्स भी दिखाती हूँ, सारे महापुरुषों की रखी है। जब भी समय मिलता है मैं महापुरुषों को जरूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए जैसे कि सब लोग विरोध करते हैं ना कि देवी देवताओं पे मतलब बोलते हैं, सबसे पहले मुझे अपने समाज के लोगों को इतिहास बताना होगा। जब हमारे समाज के लोग इतिहास पढ़ेंगे खुद ब खुद मतलब पत्थरों को अपने घर से फेंकने का प्रयास करेंगे, लात मार देंगे, जैसे जैसे जागरूक होंगे काफी उसमें लोग जागरूक हो गए हैं। मैं भी मतलब महीने के दो संडे पे समाज के लिए रहती हूँ, कैडर करती हूँ, लेकिन काफी जागरूकता आई है लोगों के अंदर, देख के बहुत मतलब उत्साह बढ़ता है। तो हम देवी देवताओं पे ऐसे कटाक्ष नहीं करते हैं, करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, हमारे महापुरुषों ने भी नहीं किया है। अभी और ढेर सारी बातें आपके साथ होगी, 9 बजे कंसर्ट बताया जाएगा यहाँ पे, आप बनी रहिए। अब हम लोगों के साथ डॉक्टर उमेश चंद्रा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश चंद्रा जी आप आइए और अपना परिचय। डॉक्टर उमेश चंद्रा जी लाल सर, आपको और सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। सर मैं चिकित्सा अधिकारी पद पे सीएससी माल लखनऊ में कार्यरत हूँ और सर जी मैं सर जी अपने और चिकित्सक साथियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास करिए सर। जी सर, एकदम। आपने एक महीने में क्या महसूस किया सर, आपने जुड़ के कैसा लग रहा आपको? जी सर, ये जो वी द पीपल का कॉन्सेप्ट है, एक तो ये मुझे समझ में आया जो संविधान का पहला शब्द है। जी जी। और ये चीज समझ में आया कि जब हम जुड़ेंगे संगठित होंगे तभी हम समाज में कुछ अपने समाज के लिए कर सकेंगे। अगर हम इस तरह से बिखरे रहे तो हम अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर अपने अपने निजी स्वार्थ को लेकर अपने बारे में जो है खुद के बारे में सोचेंगे तो हम समाज के बारे में ना ही चिंतन कर पाएंगे और ना ही समाज को आगे ले जा पाएंगे। तो सर इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया और बाकी मैं समय निकाल कर जितना भी समय मेरे पास रहता है मैं जुड़ता हूँ डेली और सर सुनता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर कि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं देना ना और आगे तो और साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए सर। एकदम सर, कॉन्सेप्ट है। अब इस कड़ी में राधे श्याम सर कुछ करना चाह रहे थे। राधे श्याम सर आए, आप अपनी बात बताएं सर। तो प्रेमचंद जी जुड़े हुए कौशाम्बी से और महेंद्र कुमार जी कानपुर से जुड़े हुए, तो इनका परिचय लेना था। सर एक सीक्वेंस में चल रहा था जो इसके ठीक है सर नाम छूट जाते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। युवासलाल सर, सर मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपना परिचय दे दूं। सर पुराने लोगों को चलिए सर बताइए, बुलाना नहीं था, हम चाह रहे थे नए जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे पहले उनको कोई नहीं सर बताएं सर। सर का परिचय जरूरी है और सर जो है सर के माध्यम से ही मैं सर जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर स्वामी सर मार्गदर्शन बता रहे हाँ सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं डॉक्टर वी वी सिंह सर को नमन करना चाह रहा हूँ, सैल्यूट करना चाह रहा हूँ। और मैं वी वी सिंह सर के को जब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ऊर्जा मिलती है और एक सीख मिलती है कि एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए समाज और अपने महापुरुषों के प्रति इन्होंने जो सत्यनिष्ठा लगन के साथ पूरा जीवन जी करके और समर्पित होकर के जो संदेश दे रहे हैं वो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीख मिलती है और हम लोगों को खुशी होती है तथा शक्ति मिलती है कि हम लोग भी इस तरह से समाज के लिए समर्पित रहें और काम करते रहें।
और वी द पीपल में जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि आए दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग आपसी बातों में उलझ कर रह जाते हैं और इस बात को ध्यान नहीं रखते कि वी द पीपल संघ कितनी मेहनत के बाद ये प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है और अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाने की जो मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है उसमें हम लोग आपसी मुद्दों को लेकर के न उलझें, इसमें सहयोग करें। जब एक बात बताई जा रही है कि वी द पीपल से जब हम जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तभी जीत जाएंगे, तो हमको आपसी इन मुद्दों को अनावश्यक बातों को ला करके अपने समय को न बर्बाद करें। और सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और वी द पीपल मुहिम को मजबूत बनाएं और हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू वेरी मच सर। कहना सिर्फ इतना ही है सर कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को। सपनों के लिए जमीन जरूरी है, वो जमीन वी द पीपल की है सिर्फ। तो इधर उधर हम लोग ना भटके, सिर्फ वी द पीपल के इस मंच पे आए और निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। थैंक यू। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं डॉक्टर राम अवतार सिंह सर हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें, अपने बारे में बताएं। डॉक्टर राम अवतार सिंह सर आए सर, प्लीज सर, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए प्लीज। लगता है सर हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ हैंड रेज हैं, उन लोगों साथियों को ले लेते हैं। तो मुकुंद बंसोड़ जी का हाथ रेज है, हैं? तो ये सर आए, आप अपने बारे में बताएं। मुकुंद बंसोड़ जी। जी नमो बुद्धाय सर, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सर मेरा नाम मुकुंद बंसोड़ है। जी सर। और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर वी द पीपल में मैं करीब करीब पर डे अटेंड करता हूँ, सुन करके और जो लोग आप लोग बताते हैं उससे बहुत ही शांति मिलती है, सुखी प्राप्ति होती है। समझो कि हम जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ना ही हमारा मकसद है। और आज जुड़ने का मुख्य कारण था सर कि आज डॉक्टरों का विशेष दिन है, तो मुझे एक नागपुर में मेरी बहन की सास की तबीयत खराब है, तो नागपुर में एक डॉक्टर की जरूरत थी सर। माइंड से संबंधित उनके मस्तिष्क की एक नस में सूजन हो गई है और वहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम जी देख रहे हैं, अगर वहाँ कुछ मदद मिल सके तो दे दीजिए सर, बस इतना ही कहना था। जैसे ही पता चलेगा आपको फोन करके हम लोग बता देंगे सर, हो सकता है अभी समय के साथ आज ही पता चल जाए आपको, अगर कोई जी जी। साथी जुड़े होंगे तो आज ही मदद मिल जाएगी आपको। अब दूसरा हैंड रेज है रणवीर सिंह सरोहा। रणवीर सिंह सरोहा जी आप आइए और अपने बारे में बताइए। रणवीर सिंह, रविंदर सरोहा जी, अभिषेक गौतम जी का हैंड रेज है। अभिषेक गौतम जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है अभिषेक गौतम जी को आवाज नहीं मिल रही है। राम अवतार सिंह सर आप हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, आप आए अपने बारे में बताएं। राम अवतार सिंह जी, डॉक्टर राम अवतार सिंह सर, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो सर। हाँ बोले सर, बोले प्लीज बोले, आपकी आवाज मिल रही है। मैं राम अवतार सिंह सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर। सर आ रही है आवाज? आवाज हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलते रहिए प्लीज सर।
अच्छा ठीक सर, ठीक ना, पहली बार हम जुड़े हैं सर, आपका बहुत अच्छा लगा हमको और आगे तक आपके साथ रहेंगे जो भी, ये बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है रोक साहब। नहीं नहीं सर, आप बने रहिए और भी साथियों को जोड़िए सर। थैंक यू सर। ठीक सर, ठीक सर, ठीक, बहुत अच्छा सर। अब हम लोगों के साथ रतन पाल जी जुड़े हुए हैं। रतन पाल जी से विनती है कि आप आए और अपना परिचय दें। अपना माइक अनम्यूट करिए सर। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं रतन पाल केन, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हूं बिजली विभाग से, नवंबर 90 में हुआ था जी। मैं वैसे मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, बट एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल में हो गया। तो कोई जैसे एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम रेडी एवरी टाइम, कोई बिजली से संबंधित या कोई लोड निकालना हो या इस तरह से। थैंक यू सर, बाकी सब बहुत से साथियों को सहयोग मिलेगा। हाँ बिल्कुल जी सर, मेरे परिवार में सभी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यूवी सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, एके सिंह जी हैं, सुषमा हैं, ये सब, डॉक्टर वैशाली है, ये सब, हम सब जुड़े रहते हैं, सब सुनते हैं डेली। थैंक यू सर, जय भीम। थैंक यू, जय भीम सर। डॉक्टर करण गौतम जी जुड़े, करण गौतम करण गौतम सर जुड़े हुए हम लोगों के बीच में, आप आए, अपना माइक अनम्यूट करिए, अपने बारे में बताइए। 20 करण गौतम सर आप आए, सर आपको आवाज मिल रही है? करण गौतम सर, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। बताएं सर अपने बारे में बताएं। हेलो, हाँ सर आपकी आवाज मिल रही है, आप बात करें सर, बताएं अपने बारे में। मैं डॉक्टर करण गौतम जी, जी सर, वाराणसी से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बताएं सर। सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय सर। ये मैं 92 बैच से हूँ जी सर, मैंने MBBS MDCA DSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया हुआ है जी सर। बेसिकली मैं आजमगढ़ से हूँ जी जी, करंटली वाराणसी में पोस्टेड हूँ जी जी, वर्किंग एज ए कैपेसिटी ऑफ पीडियाट्रिशियन इन CST सोलापुर वाराणसी जी जी जी। बड़ी तो खुशी हुई बहुत मिलके आपसे। हाँ जी सर, जी सर बिल्कुल, आप बने रहिए सर। वाराणसी में मैं भी रहा हूँ, वहाँ पे जो है दीनदयाल उपाध्याय कंबाइंड हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे 3 साल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है सर। तो जी, और भी साथियों को वहाँ पे सर जोड़िए। चैट बॉक्स में नंबर डलवा दीजिए सर। हाँ चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिएगा सर, डॉक्टर करण गौतम सर अपना नंबर छोड़ दीजिएगा ताकि सारे साथियों को मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, यू वेलकम। अब हम लोगों के बीच में डॉक्टर केपी सिंह कार्डियो सर जुड़े हुए हैं। सर आपसे विनती है कि आप आए और अपने बारे में बताएं और कुछ हम लोगों को संदेश दे सर। डॉक्टर केपी सिंह सर, सर आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर केपी सिंह सर, लगता है सर की को आवाज मिल नहीं रही है, हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, जी सर बोले सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, मैं अभी अनम्यूट हुआ हूँ सर। सर यूबी सिंह मेरे गुरुजी हैं और अभी एक सप्ताह पहले आपके बारे में पता चला, यूएस लाल, वैसे मैं कभी कभी आ जाता हूँ बीच में, और बहुत सारे साथी हैं, बुलंदशहर की मैडम है, आज उनका स्पेशल मैसेज आ गया था मेरे पास कि आज डॉक्टर्स का प्रोग्राम है। सर आपकी बहुत जरूरत है, हम लोगों के बीच में आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
और बहुत ही आपकी नितांत आवश्यकता है सर, आप बने रहे हैं सर, सर क्योंकि मेरा अपना फ्री मेरी ओपनिंग होती है, मैं अपने शेड्यूल डेट टाइम पर अवेलेबल रहता हूं और मेरी कोशिश है कि जितने हमारे मूल निवासी 85% हमारी पॉपुलेशन है और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं और मैं चाहता हूं मेरा ABCD का प्रोग्राम रहता है, ए फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज एंड ई फॉर एंड ऑफ ऑल दिस, देन यू कैन एंड वी कैन लिव हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। और मैं इस समय होली फैमिली हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें अटेंडिंग कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले मैं BL कपूर हॉस्पिटल में रहा हूँ, मेदांता हॉस्पिटल में रहा हूँ, फोर्टिस एस्कॉट में रहा हूँ एज ए अटेंडिंग कंसल्टेंट। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जन जन के लोग हैं, अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो 24 आवर मेरी सेवाएं ले सकते हैं। थैंक यू जय भीम। थैंक यू सर, नंबर डाल सर। अब हम लोग के बीच में रमेश कटके साहब मौजूद हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आए और अपने बारे में बताएं तथा महाराष्ट्र ढेर सारे लोग चूंकि आपके तरफ से जुड़ते हैं तो उनका भी परिचय करवा दें सर। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों से विनती है कि आप जुड़े रहे। मैं रमेश कटके हूँ, मैं कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हूँ और मैं बाबा साहब के लंदन के घर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी था और मैं वी द पीपल के कंसेप्ट से काफी वाकिफ हूँ और इसीलिए मैं इनके इस संघ के साथ में जुड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने अपने अपने जो भी जो जो संगठन है, जो भी विचारधारा है, सब में सम्मिलित करके वी द पीपल के साथ काम करना चाहिए। इसी में अपनी भलाई है क्योंकि इससे ही हमारा आगे का भवितव्य जो निहित होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और सभी जो नए जुड़े हुए सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसा तथागत बुद्ध ने कहा यही पथ सीखो, आइए ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और फिर सोचिए इसके बारे में। हमारा भविष्य निश्चित उज्जवल है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। सर इस कड़ी में हम लोगों के साथ रमेश आर्या जी जुड़े हुए हैं, सर आप आए और अपने बारे में बताएं सबको। रमेश आर्या जी अपना माइक अनम्यूट करें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है सर, अनम्यूट करिए प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट करिए। लगता है सर से कनेक्शन टूट गया है, हमारी बात नहीं हो पा रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी हम लोगों के साथ में राम अवतार सर जुड़े हुए हैं, राम अवतार सर प्लीज आए और अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जी सर, राम अवतार सर तो बताएं सर, इनका भी माइक अनम्यूट कराइए भाई। अच्छा लगता है माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया सर, अपना माइक अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी सर, अगली कड़ी में अब लेते हैं, लगता है सर लोगों से बात नहीं हो पा रही है। ये रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं, रामचंद्र जी से विनती है कि आप आए, अपना माइक अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं सबको। लाल साहब जी सर, डॉक्टर आरएल सिद्धार्थ साहब जुड़े हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। ठीक ठीक सर, मैं अभी बुला लेता हूँ। हाँ ठीक, डॉक्टर आरएल सिद्धार्थ सर से विनती है कि आप आए, आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, अपने बारे में बताएं सर।
डॉक्टर सिद्धार्थ सर आप आए, दो हैंड्रेज भी है डॉक्टर साहब, आप ले रहे हैं सर एक्चुअल में नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी सर, हाँ नमो बुद्धाय जय भीम सर एवरीबॉडी, हाँ नमो बुद्धाय जय भीम सर, मैं डॉक्टर आर एल सिदार एम एस जनरल सर्जरी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है 87 बैच का हूँ, एम एस सर्जरी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से 1996 में, अभी वर्तमान में मैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मेडिकल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ। जी जी सर, जी सर, सर जुड़े रहिए, और जो छत्तीसगढ़ में और वहाँ की हेल्थ सर्विसेज में जो लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए सर, क्योंकि यहाँ लखनऊ में 26 दिसंबर को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें से ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक साथी आएंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, कड़ी में दो हैंड रेज है, एक राजेश कुमार जी का हैंड रेज है, राजेश कुमार सर आप आए माइक अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं। राजेश कुमार जी, राजेश आवाज मिल रही है सर आपको, आपका हैंड रेज है। दूसरा हैंड रेज है रविंदर जी का सरोहा, रविंदर सरोहा जी का, अपना माइक अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बताएं आप। रविंदर सरोहा जी, जय भीम जी सर, रविंदर जी बाहर से बोल रहे हैं जी। जी जी बताएं जी, मुनीर सर ने ये भाई है अपना उसे लिंक भेजा था जी सर। जी सर, अभिषेक गौतम जी का हैंड रेज है। डॉक्टर साहब जय भीम नमो बुद्धाय, मैं पुष्पा बहुत बोल रही हूँ। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय मैम, आप जी। हाँ डॉक्टर साहब धर्मवीर सिंह जी है चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी जी, उनका पर्चे ले लीजिए। बुला लेंगे, आप ही बुला लीजिए मैम, एक मिनट बुला लीजिए, अगर आपने बोल दिया। ठीक 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 ठीक, बुला लीजिए मैम प्लीज। हाँ धर्मवीर सिंह जी, मेरी बात सुन रहे हो तो अपने पर्चे दीजिए। हेलो, हाँ धर्मवीर सिंह जी, डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, हेलो डॉक्टर धर्मवीर सिंह सर आप आए, पर्चा दीजिए अपना। के सहारे अपने को अनम्यूट कर ले, हमने सभी को म्यूट कर दिया। जी जी जी, सभी समर समाज के साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे जो इस संघ का जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि एकता और भाईचारा किसी प्रगतिशील समाज की मूलभूत जरूरत है, लेकिन समाज के विभिन्न जातियों और समुदायों में बटा हुआ है, कई बार ये वजह कड़वाहट पैदा करती है, ऐसी स्थितियों में ही सजग रहने की जरूरत होती है। तो ये जो हमारा आज का जो संघ जो 4 महीने से हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुड़े और जोड़े, इसका मकसद यही है कि एकता और भाईचारा एक प्रगतिशील समाज की मूलभूत जरूरत है। तो कुछ हमारे देश के शायरों ने कहा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, ये बशीर बद्र साहब ने कहा है। और वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। इसी चक्कर में इसी कारण लोग जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं भी बहुत जरूरी काम से मैं व्यस्त हूं, फिर भी मैं संघ के काम से जुड़ा हुआ हूं,
तो मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए हैं खुली बाहों में। ये कैफी साहब ने कहा है एकता के लिए, और दीपक जैन साहब ने भी लिखा था एक, सभी के थे एकता के हक में लेकिन सभी ने अपनी शर्त रख दी। जैसे हमारे मीटिंग में आते हैं कुछ लोग अपेक्षाएं रखते हैं, एक्चुअल में अपेक्षाएं जो रखेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए जुड़े और जोड़े, ये आप सभी लोग को मालूम है। धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं इस कड़ी में कंसेप्ट के लिए विनती करना चाहूंगा सुधीर राज सिंह सर से कि आप आए और कंसेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सर। रोगहारी के रूप में, तो आज से हम सब चिकित्सक रोगहारी हैं ये हम मान लेते हैं, और इसको, इस परंपरा को आगे और बढ़ाएंगे हम लोग कि हम लोग अपने को रोगहारी कहें, ताकि जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको हम लोग फिर से पुनर्जीवित कर पाए। बहुत बहुत साधुवाद सर। इस कड़ी में अब दो हैंड आगे इंट्रोडक्शन के रूप में बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे दो हैंड रेज हैं। श्री राम सूर्यवंशी जी हैं हम लोगों के बीच में, वो आए अपनी बात रखें। श्री राम सूर्यवंशी जी, जय भीम सर। जय भीम सर। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं सर। जय भीम। नमो बुद्धा सर जी, मैं श्री राम सूर्यवंशी सागर जिले से बात कर रहा हूँ जी। सर मैं जूम मीटिंग पे तो अभी पहली बार आया है और मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं अपने संगठन के बारे में, तो सर मैं अभी सुनना पसंद करूंगा और ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है सर, आप बने रहिए बीच में और साथियों को भी लाइए। जी जी ठीक सर, धन्यवाद सर। अब जी जय किशोर मनवर जी का सर, डॉक्टर सूर्यवंशी जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, इनसे पूछ लो जी सर लिंक दिया कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से कैसे आपको लिंक मिला सर? सूर्यवंशी जी सर मुझे, मैं ग्रुप में अड़ू जी सर, मैं अपना ये भारतीय मान जी वही बता रहा है, भारतीय महिला शक्ति संगठन की ग्रुप है जो मध्य प्रदेश का जी। सागर से उसमें मैसेज डाला हुआ था, तो उसमें लिंक मिला मेरे को जी, जी। मैं इसी कैसा लगा सर, अभी अभी आप एक घंटे से जुड़े हुए हैं, आपको जी कैसा लग रहा है? जी सर अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं संगठन में तो बहुत पहले से, मैं भीम आर्मी का मीडिया प्रभारी भी रह चुका हूँ जी, और मैं बहुत से भी ऐसे अपने संगठन है जो समुदाय के अपने हर बार कष्ट और बहुत सारे लोग मतलब संगठनों से जुड़ा हुआ। क्या है कि जो सर ने अभी बात बताई संगठित रहना, तो एक बात अपने जो बाबा साहब ने बोली थी कि संगठित रहे शिक्षित रहे संघर्ष करे, तो आज हमारा जो उद्देश्य ही आई है कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे संघर्ष करेंगे और मतलब अपनी समाज में जितना अगर शिक्षक का विकास होगा तो हम लोग उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर क्या है कोई भी आज जैसे की बात की जाए अपनी ज्यादातर समाज की बात, तो कुछ स्थिति और कंडीशन के कारण कुछ अपने परिवार मध्यम परिवार के लोग जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते नहीं दे पाते है ना, तो इसी कारण क्या है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारी जो भी समाज और समुदाय है उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मतलब दिक्कत प्रॉब्लम बहुत सारी आती जाती रहती है, तो हमारा एक ही मकसद रहेगा कि संगठन में रहना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षित होना जरूरी है, और हमारा यही कर्तव्य है कि अपनी समाज को सबसे पहले जगाना और शिक्षित करना है। धन्यवाद सूर्यवंशी जी। वो डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी भैया, वो मध्य प्रदेश से, भोपाल से, जबलपुर से हैं डॉक्टर साहब। आप ऐसा करिए कि वो, उनका बड़ा एक्टिव रोल है, वो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स को जोड़ने का कार्य बड़े पैमाने पर कर रही है, तो डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी को कुछ समय के लिए थोड़ा मौका दीजिए।
सभी साथियों को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज डॉक्टर्स विशेष मीटिंग में बी द पीपल की तरफ से। तो इस परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ, मैं इनवाइट करूंगी अपने साथी डॉक्टर डॉक्टर अंजनी जलज। मैम सुनाए, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये डॉक्टर राजकुमारी बंसल मैम जी सर। हाँ मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ मैम। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जी जय भीम नमो बुद्धाय। ये डॉक्टर ओपी सिंह बिजनौर से जुड़े हुए हैं मैम, उनको बुला लिया जाए। जी डॉक्टर ओपी सिंह सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर ओपी सिंह सर, अगर आवाज आपको सुनाई दे रही है तो कृपया आए, अपना परिचय दें। डॉक्टर ओपी सिंह सर बिजनौर से। डॉक्टर ओपी सिंह सर, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर ओपी सिंह सर, आगे ले लो, दूसरे को ले लो। अच्छा ठीक है मैम, दूसरे को ले लिया जाए। इसी श्रृंखला में मैं आगे इनवाइट करूंगी डॉक्टर लाल सिंह सर। डॉक्टर लाल सिंह सर सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत खुशी की बात है कि हमारे रोगहारी साथी समाज के लिए चिंतन कर रहे हैं, कैसे समाज को बढ़ाया और कैसे जो पुराना कॉन्सेप्ट हमारा संघ का था उसको रिवाइव किया जाए, उसके लिए सभी साथी आगे आ रहे हैं। और आ तो सभी रहे, लेकिन डॉक्टरों की पहल सराहनीय है इसमें, और वो अपनी सेवा भी जिस तरह से दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से, कई डॉक्टर यूवी सिंह है चेस्ट की दे रहे हैं, डॉक्टर सीमा जी हैं, डॉक्टर राजकुमारी जी हैं, हमारी गायनी के जो मरीज है, कुछ चर्म रोग की भी सेवा हो रही है। इस तरह से डॉक्टरों ने जो सेवा की पहल की है इसमें, वो वी दी पीपल को जोड़ने में और उस कॉन्सेप्ट को समझने में लोगों को बहुत मदद कर रही है कि इससे हमारी कितनी सुरक्षा है और कितनी रक्षा है और कितनी सेवा है, और सेवा भी निस्वार्थ है, निस्वार्थ भाव से इसमें सभी साथी जुड़े हैं, और उस निस्वार्थ भाव से कितनी शक्ति बन रही है, कितना आपस में प्यार बन रहा है, ये हमें वी दी पीपल के कॉन्सेप्ट से पता लग रहा है कि हमारी प्राचीन संस्कृति है उसी को हमने रिवाइव कर रहे हैं। इस संस्कृति ने पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों में एकता बढ़ाई है, सहयोग बढ़ाया है, प्यार बढ़ाया है, सेवा बढ़ाई है, मानवता को जिंदा रखा है। तो हम सब मिलके इस वी दी पीपल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, इसी में हमारी उन्नति है, इसी में हमारी सुरक्षा है, इसी में सहयोग है, इसी में प्यार है। तो आप सब जो भी साथी सहयोग दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, खूब सभी सुखी रहें। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत थैंक यू सर, साधुवाद आपको। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर जगदीश जी, प्लीज आप इनवाइटेड हैं आपका इंट्रोडक्शन के लिए। डॉक्टर जगदीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं जगदीश हूँ, पीजीएचएस में अम्बाला में सर्विस में हूँ, पीजीएचएस अम्बाला इंचार्ज हूँ मैं, और इस मीटिंग में तो पहली बार मेरा जुड़ना हुआ है। इस ग्रुप का मेंबर मैं काफी दिनों से हूँ,
इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आज मीटिंग में पहली बार मिलने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मालूम हुआ है कि हमारे लोग इस ऊंचे स्तर पे कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूं कि और लोग जुड़ेंगे और इससे ज्यादा स्तर पर कार्य हमारा होगा और हम प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, प्लीज जुड़े रहिए और भी साथियों को जोड़िए इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैम। डॉक्टर ओपी सिंह आ गए हैं, उनको बुला लिया जाए जी। डॉक्टर ओपी सिंह सर प्लीज आप आमंत्रित हैं अपने परिचय के लिए। ओपी सिंह सर डॉक्टर ओपी सिंह सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, बिल्कुल क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर क्लियर। सभी को नमो बुद्धाय, जय जी। और मातु शर्मा पहले आप लोगों ने बुलाया, थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ, मैं जुड़ नहीं पाया उस समय, जबकि शुरू से जुड़ा हुआ था। मैं डॉक्टर ओपी सिंह, जिला अस्पताल बिजनौर यूपी में तैनात हूँ एज ए डेंटल सर्जन। और मैं विदा पीपल से करीब 1.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर स्वामी ने मुझको जोड़ा था, उसके बाद मैंने करीब 50 से 60 लोगों को और जोड़ दिया। बहुत अच्छा। और उसमें मुझसे भी पूछा जाता है कि जोड़ने का फायदा क्या हो, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, पहले मैं जुड़ा हूँ, मैं उसके फायदे जानता हूँ, आप जुड़िए आपको भी फायदे चलेंगे, और जब आप औरों को जोड़ेंगे तो उनको भी फायदे मिलेंगे। तो हम सब आई ना बन के बी बनकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत है। मैं अपनी ओपीडी देखता हूँ, यहाँ का सारा कार्य करता हूँ, इसके अलावा जो समाज के लोग हैं अगर मुझे पता चल जाता है, या जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, एजुकेट होइए। संविधान ने इतना आपको दिया है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी आगे जा सकते हैं, मेरा उसमें पूरा कॉपरेशन रहता है। लेकिन मैं यहां तक भी बोलता हूं, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप एग्जाम पास कीजिए, फीस आपकी मैं जमा करूंगा। सभी को नमस्कार, जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, प्लीज जुड़े रहिए। नेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रुक्मणी गुलारी जी को। रुक्मणी जी, डॉक्टर रुक्मणी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम, आ रही है जी मैम। हेलो, प्लीज आप जी मैम प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर रुक्मणी हूँ, सिविल हॉस्पिटल नसलगंज में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं काफी दिन से जुड़ी हूँ, लेकिन समाज सेवा के लिए इतना जा तो नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी कार्य करती हूँ। जो भी मुझे लगता है गरीब है तो उनकी जहां तक हो सकती है सहायता करती हूँ। पढ़ाई को लेकर बहुत सहायता करती हूँ, खास करके लड़कियों को पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है। मैम आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं क्या? वीडियो ऑन कर सकते हैं? हेलो मैम, देख रही हूँ मैंने अभी। ओके okay. अब हम कौन से स्टेट से हैं आप? हेलो मैम, आप आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगी। हेलो, कोई बात नहीं मैम, परेशान मत होइए। आप कौन से स्टेट से हैं मैम? एमपी भोपाल। एमपी भोपाल, बिल्कुल ठीक। तो मैम प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर और नाम चैट बॉक्स में प्लीज ड्रॉप कीजिए, आपसे कांटेक्ट करेंगे हम बाद में। जी 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 बिल्कुल। ओके थैंक यू मैम। नेक्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर इंदर देव।
एंड आफ्टर दैट आई एम नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर रघु जी जयवीर नमो बुद्ध है जयवीर नमो बुद्ध है मैं डॉक्टर इंदर देव एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वी द पीपल का कंसेप्ट मैं सुनता रहता हूँ अपनी वाइफ से काफी अच्छा है और मैं टच में हूँ सभी को जिस तरीके से सुधीर राज जी ने अभी समझाया वो बिल्कुल इसका फाउंडेशन है और इसी तरीके से हमको संघ में जुड़ के काम करते रहना है इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों को इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहन करूंगा धन्यवाद सर आप एक व्यक्ति भी है सर आप लखनऊ में जरूर आएंगे सर जी सर जी सर जी सर ओके थैंक यू नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यस यस ओके नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर रवि आर्य सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें परिचय दें हेलो जी सर भीम जय भीम हेलो आवाज आ रही मेरी जी बिल्कुल हेलो जी सर बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है प्लीज बोलिए माय सेल्फ डॉक्टर रवि आर्य मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद पर योगीराज हॉस्पिटल मंडला में कार्यरत हूँ पिछले चार वर्षों से बेसिकली मैं झांसी मेन स्क्रीन में वीडियो नहीं आ रहा है सर वीडियो ऑन किया है सर आपने रवि सर हाँ हाँ किया है ओके वीडियो आ रहा है अब आ रहा है मैडम मेन स्क्रीन में नहीं आ रहा है मैम अच्छा अभी आ रहा था शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई मेन स्क्रीन में यूएस लाल साहब का ही आ रहा है अच्छा मैं वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ नहीं आपने प्रिंट कर दिया होगा सारे साहब उनको पिन किया होगा आप उनकी पिन हटाइए अच्छा 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 जी रवि सर कंटिन्यू करें हेलो जी सर आवाज आ रही है आपकी क्या सुन पा रहे हैं सभी लोग मेरे हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं योगीराज हॉस्पिटल मंडला में आ रही है आवाज हाँ आवाज आ रही है लेकिन सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है मंडला में ऑर्थोपेडिक सर्जन अरे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है मेरा मेरे को दिख रहा है वीडियो के मेरा आ रहा है अच्छा तो आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है ठीक आ रहा है डॉक्टर साहब का वीडियो आ रहा है आ रहा है आने लगा वीडियो आ रहा है जी हेलो हाँ सर ठीक है कंटिन्यू करें प्लीज वीडियो आ रहा है जी हाँ ओके तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद पे योगीराज हॉस्पिटल मंडला में कार्यरत हूँ पिछले चार वर्षों से बेसिकली मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ लेकिन कुछ वर्षों से मैं यहाँ मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ और मैं वी द पीपल का कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा है इसमें और मैं वी द पीपल में डॉक्टर राजकुमारी बंसल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई मैंने मीटिंग्स अटेंड करता रहता हूँ जब भी मेरे को समय मिलता है और आप सब लोगों का विचार विमर्श भी सुन के मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हाँ देश के सभी कोने कोने से लोग जुड़ते हैं तो एक वो फीलिंग होती टुगेदरनेस की जो फीलिंग आती है वो एक डेवलप होती है इससे जो कि हमारे आइसोलेटेड छोटे से शहर में अगर हम कोई गैदरिंग करते हैं तो उससे वो चीज नहीं आती जो इससे आती है तो फिर भी सभी को जय भीम नवोदय थैंक यू जी थैंक यू सर प्लीज जुड़े रहिए नेक्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर आर आई सिद्धार्थ जी डॉक्टर आर आई सिद्धार्थ जी हेलो आपको मैडम मैडम उनका हो गया परिचय ओके परिचय हो गया मैडम नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर अंजनी जलज मैडम आरआई नहीं आरएल है आरएल है ओके ओके जी डॉक्टर अंजनी जलज प्लीज मैम आप अपना परिचय दें And now I'm requesting to Dr. Yogesh Kumar ji. आपको आवाज आ रही है मेरी जी आ रही है जी जी सर प्लीज
आई एम डॉक्टर योगेश, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से, और मैं जुड़ा हूँ करमवीर सिंह बौद्ध हैं अपने उनके थ्रू, और बाकी मैंने अभी कुछ हमारे लोग मिला मुलाकात हुई मेरी परिहार जी से, एसपी परिहार जी हैं, और डॉक्टर लाल सिंह जी से मेरी बातें हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं धर्म के बारे में कुछ सीख रहा हूँ, और मेरी कोशिश पिछले दिनों से यही चल रही है कि मैं कुछ धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज्ञान इसमें प्राप्त करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हर कार्य कर रहे हैं लेकिन जब तक हमारे जीवन में सुख नहीं, जो सुख के लिए जो कार्य है वो नहीं होगा तो उसका कोई भी किसी कार्य करने का लाभ नहीं है। और धर्मभूमि के साथ मिलके मैं कार्य कर रहा हूँ, और मैंने जैसे हमारे मेरे जिनसे मैं मिला था उनसे भी मैंने चर्चा की कि हम आजकल अगर दिशा लगाएं या कुछ अगर सही जो कार्य कर सकते हैं, हम समन समाज की जो बात करते हैं, तो समन समाज को आज अगर जरूरत है किसी सही चीज की तो वो है व्यवस्था की, व्यवस्था एक नई व्यवस्था खड़ी करने की, व्यवस्था परिवर्तन की, ये इसी के लिए भी मैं थोड़ा बहुत कार्य कर रहा हूँ, बस यही मैंने कहना था। और मैं एक निवेदन करूंगा, कृपया जैसे समन समाज की हम बार बार चर्चा अगर कर रहे हैं जैसे आज भी बात हो रही है, और तो मैं जानना चाहूंगा कि समन समाज किसको हम समन समाज मान रहे हैं, उनमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किस कैटेगरी को हम मानते हैं, या क्या है समन समाज, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर कोई वक्ता बताना चाहें तो उनसे निवेदन। जी यूबी सिंह सर, मैं आपको इनवाइट करूंगी कि सर के जवाब सवालों का जवाब प्लीज आप दें। यूबी सिंह सर, डॉक्टर साहब ने जो योगेश जी ने जो प्रश्न पूछा है, अगर आप शुरू से जुड़े होते तो ये जानकारी आपको यहाँ बार बार हमारे जो सुधीर राज सिंह जी हैं वो वमन और समन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भगवान बुद्ध के जमाने का जो समाज हुआ करता था, जिसमें हम सभी लोग जो आज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ड्राइव, ओबीसी हैं, ये सभी समन समाज के लोग हुआ करते थे। बाद में चूंकि इनके साथ अत्याचार हुए, इनकी शिक्षा छीन ली गई, तो ये वमन समाज के द्वारा जो इस पर अत्याचार हुए तो उससे ये गुलाम की श्रेणी में आ गया। तो हम कुल मिलाकर के आज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिवीजन है, वी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ड्राइव, अदर बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी का भी जो भाग है, ये सब समण समाज का ही हिस्सा है। तो हम पॉलिटिकली स्लेव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव हैं, इकोनॉमिकली स्लेव हैं, और हमारी कोई कल्चर नहीं है इस समय। तो हमें सिर्फ एक ही बात सीखनी है कि भाई जुड़ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ और जोड़ने का कार्य करो। अगर हम जुड़ जाएंगे तो हम बच पाएंगे, और यदि हम नहीं जुड़ते हैं, जो दुर्दशा हमारी हो रही है, डिविजन्स जो समाज के होने के कारण हमारे सारे अधिकार हमसे छिनते जा रहे हैं, तो इसको हम तभी रोक पाएंगे जब हम सब लोग एकजुट होकर के जुड़ें। और ये जो संघ है, लगभग 4.5 महीने से यहाँ 8 से 12, 1 बजे तक भारत के लगभग 20 राज्यों के बुद्धिजीवी लोग, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन समाज को कैसे दें, तो ये विषय है भाई इस समण समाज का। और हम एकजुट होने के लिए ही आपसे अपील करते हैं, आप जुड़े रहिए और दूसरे लोगों को जोड़ने में जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उतनी भैया कोशिश करो। बहुत बड़ी लड़ाई है, अगर लड़ाई को लड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो कोई भी बच नहीं पाएगा। जिस तरीके के हालात सरकार ने खड़े कर दिए हैं, सिवाय मरने के आगे और कोई चारा हमें दिखाई नहीं देता है। ये बात हम सब बुद्धिजीवी भाइयों को, बहनों को
अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये समन समाज ही है, समन संस्कृति थी, मतलब वमन संस्कृति या समन संस्कृति, क्योंकि अगर उसमें हम सिर्फ इनकी आप बात कर रहे हैं एससी है बीसी हैं एसटी हैं, लेकिन उसमें तो अगर समन समाज की बात करें हम तथागत के समय की, तो उसमें तो काफी और लोग भी थे, क्योंकि उसमें वमन जैसे ब्राह्मण लोग भी थे और क्षत्रिय लोग भी थे, क्योंकि स्वयं ये मतलब काफी सारे ऐसे सभी लोग उसमें शामिल हुए थे। आपको जब प्रश्न की जानकारी है तो आपने ये प्रश्न क्यों उठाया? पहले तो कृपया करके जितनी जानकारी आपको है आप पहले उससे काम चलाइए, और जो जानकारी इस समय आवश्यक है उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। आप जुड़े रहिए और जोड़ने का प्रयास करते रहिए, बस इतना ही यदि आप आज समझ लेते हैं तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये जो इसको ज्यादा विस्तार से खींचने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जानकारी इनको कल मैं दे दूंगा, मेरे से संपर्क करेंगे। हाँ ठीक है सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपसे कांटेक्ट कर लिए कर लेंगे हम लोग सर। प्लीज आपको नंबर पता है मेरा, मैं डॉक्टर लाल सिंह जी 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 डॉक्टर साहब आपको तो पता है, आज बात हुई थी आपसे काफी विस्तार में बात हुई। डॉक्टर योगेश जी डॉक्टर लाल साहब से आप बात कर लें, आगे बढ़ाएं डॉक्टर बंसल जी। थैंक यू साधुवाद डॉक्टर यूवी सिंह सर। नेक्स्ट एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर आरडी प्रजापति जी। डॉक्टर आरडी प्रजापति जी प्लीज आप इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दें। जी आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैम आज मैं पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़ा हूं, और अगर ये कहें इसके बारे में पता भी नहीं था तो बिल्कुल सही है। और मैं बस ऐसे ही अभी लगभग 8:30 बजे ग्रुप देख रहा था, उसमें ये लिंक मुझे मिला, तो मैंने सोचा देखते हैं क्या है क्या प्रोग्राम चल रहा है, और मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लगा। और पहले भी सोचा कि लिंक होना चाहिए इसके माध्यम से। एक सेकेंड को होस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अननेसेसरी जो माइक अनम्यूट है उनको म्यूट किया जाए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये सभी को म्यूट कर दिया गया, डॉक्टर साहब आप अपने को अनम्यूट कर जी। डॉक्टर डॉक्टर आरडी प्रजापति जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना परिचय दें। जी 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 ओके मैम, मैं डॉक्टर आरडी प्रजापति, मैं डेंटल सर्जन हूं और मैं सतना जिले के अमरपाटन तहसील में डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा निजी क्लिनिक है और मैं यहां पर 5-6 सालों से हूं और डेंटल प्रैक्टिस में लगभग 10 सालों से हूं। ये मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मैम, ये हम सभी लोगों को आपस में जुड़ने का, और निश्चित रूप से मैं बहुत सारे लोगों को इसमें लाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को साधुवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और प्लीज आप अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और हम आपसे संपर्क करेंगे, सतना मध्य प्रदेश से आप है ना जी। ओके थैंक यू। जी बंसल मैम जी सर, हाँ मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर केशव प्रसाद बलिया से जुड़े हुए हैं, उनको कॉल कर लिया जाए। डॉक्टर केशव प्रसाद जी, डॉक्टर केशव प्रसाद जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर केशव प्रसाद जी बलिया उत्तर प्रदेश। डॉक्टर केशव प्रसाद सर अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया आए अपना परिचय दें। डॉक्टर केशव प्रसाद सर जी, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर केशव जो है बलिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद पर हूँ, कार्यरत हूँ, और मेरा गृह जनपद जो है जौनपुर है, जनपद उत्तर प्रदेश में। और मैं करीब 1.5 महीने पहले इस जो है ग्रुप से जुड़ा हूं, और स्वामी सर के माध्यम से लखनऊ में है सर, और उनके माध्यम से मुझे पता चला कि इस ग्रुप में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, किन किन लोगों को जोड़ना है, किन किन लोगों को जुड़ना ज़रूरी है और जुड़ना क्यों ज़रूरी है, ये भी मुझे पता चला। तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा और सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इसमें जो है स्थान दिया गया, और मैंने भी प्रयास किया है बलिया में जो हमारे डॉक्टर्स हैं
बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ने का भी प्रयास किया है, और जो कुछ लोग डॉक्टर नहीं भी हैं उनको भी हमने जोड़ा है। तो मेरी तरफ से बस एक ही चीज़ का वो है कि मैं चाहूँगा कि ये जो परंपरा स्टार्ट की गई है, शुरू की गई है, इसको कंटिन्यू रखा जाए, और जितना हो सके हम और सब लोग मिलकर ये प्रयास करें कि जितने लोगों को जोड़ सकें, और जो भी दिक्कतें पीछे रही हैं उसको भी हम शेयर करें, और जो आने वाली हैं उसके बारे में भी हमें आगाह होना पड़ेगा, और इन सब को देखते हुए जुड़ करके एक साथ काम करना शुरू करें, जिससे हम आगे बढ़ पाए, हमारा समाज आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप आए सर। अन्य लोगों बंसल मैम जी सर, डॉक्टर केशव प्रसाद सर ये काफी एक्टिव हैं और समाज के प्रति काफी डेडिकेटेड रहते हैं, और ये सही दिशा में काम कर रहे हैं विद पीपल के लिए, हम लोगों के लिए एक ये अच्छा संकेत है। डॉक्टर केशव सर आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 साधुवाद सर। केशव सर प्लीज आप अपना नंबर ड्रॉप चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और प्लीज जुड़े रहिए इस मंच से। जी जी बिल्कुल। मंजल मैम जी, जी सर, डॉक्टर अवनीश कुमार जुड़े हैं मुरादाबाद से, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ओके डॉक्टर अवनीश कुमार। ओके डॉक्टर अवनीश कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अवनीश कुमार जी मुरादाबाद से। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम बिल्कुल सर आ रही है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। मैं बीच बीच में जुड़ता हूँ, मैं 3-4 महीने पहले जुड़ा हूँ, 3-4 महीने से जुड़ रहा हूँ, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी रहती है लेकिन लगातार जुड़ा रहता हूँ। डॉक्टर यूबी सिंह मेरे गुरु हैं और मुझे मेरे मार्गदर्शक हैं, और मेरी मुलाकात उनसे 93 में मेरठ में हुई थी, वो आए थे हमारे हॉस्टल में, तो यूबी सिंह सर के माध्यम से मैं थोड़ा सा टच में रहता हूँ, और उनका बड़ा साधुवाद कि वो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम यहाँ पर भी अपने लोकल स्तर पर अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में प्रयास करते रहते हैं, हाउ टू टीच अवर जो रूरल क्षेत्र में है हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह की उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही गांव में, हम करते रहते हैं बीच में। हेलो जी जी बिल्कुल सर बोलिए। तो मैं ये चाहूँगा कि हम ये जो वी द पीपल के माध्यम से जुड़े और जुड़े रहें, इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे लोगों पर पड़ेगा, और हम काफ़ी यूनिटी हमारी इकट्ठा होगी, और हम किसी भी क्षेत्र में जो काम करना चाहेंगे एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी यूनिटी और संघ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद, यही चाहेंगे कि ज्यादातर लोग जुड़ें और जुड़ें एक दूसरे को। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद जी, जी साधुवाद सर आपका, प्लीज आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। ओके मैडम, ओके साधुवाद। मैं को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी नेसेसरी जो माइक अनम्यूट है उनको म्यूट किया जाए। ये सबको म्यूट कर दिया है, डॉक्टर साहब अपना खोल लीजिए भाई। जी थैंक यू सर। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर शरद मौर्य जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर शरद मौर्य जी, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज डॉक्टर स्पेशल है, तो मैं सभी साथी डॉक्टर से अनुरोध करूंगी, जो भी आज जुड़े हैं, पहले भी जुड़ चुके हैं, जो भी डॉक्टर साथी हैं, कृपया अपना परिचय दें या हैंड रेज करें, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ या मैं चूक रही हूँ तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, प्लीज आप अपना परिचय दें, हम सभी का, आप सभी लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। मैम कई हैंड रहे हैं, वो बात कर लीजिए। हाँ यस सर, कई साथी हो गए। देन नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर मिस्टर किशोर मानवर जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। किशोर मानवर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? किशोर जी नेक्स्ट हैंड रेज किया है, ब्रिज मोहन जी ने। ब्रिज मोहन जी आप अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज आप आमंत्रित हैं।
सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और सभी हम हमारे यहाँ पे जो हमारे समन समाज के जो डॉक्टर साहब सब जुड़े हैं सभी को साधुवाद है। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है विद पीपल के संघ के द्वारा समाज के बहुत ही सराहनीय है। इसमें मैं थोड़ा सा डॉक्टर से भैया इसको अनम्यूट कर लो भैया ब्रजमोहन भाई, ये बीच बीच में गड़बड़ करते हैं, मैं सबकी बोलती बंद करता हूँ तुरंत। बहुत चकार कर रहे हैं सर, अनम्यूट करो ब्रजमोहन। हाँ जी सर, कर लिया। नहीं ये बड़बड़ ये मानते नहीं लोग भाई, क्या करें। हाँ बोलो भैया ब्रजमोहन बोलो। सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। समाज के सभी हमारे SST OBC सभी समन समाज की तरफ से बहुत ही नेक कार्य हमारे डॉक्टरों की तरफ से हो रहा है समाज के लिए। इसमें सर मैं सभी डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी पीछे कुछ मीटिंगें हमने की हैं तो उसमें एक चीज निकल के आई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो पैंडेमिक से गुजर रहा है, तो लोगों की एक इच्छा ये जाहिर हुई है कि एक ना साइकेट्रिस्ट का हमारा एक पैनल बने जो एक OPD कंसल्ट करे। तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट थी सभी डॉक्टर से, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, साइकेट्रिस्ट का कोई एक दिन हमारे को दे दिया जाए। अगर डॉक्टर्स कुछ हैं इसमें साइकेट्रिस्ट तो बड़ी उनका साधुवाद होगा, उनके बड़ी आभार होगा समाज के प्रति। हाँ। बस धन्यवाद सर। डॉक्टर अजय जलवान जी हैं, वो टीम बना देंगे। जी 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 ओके। नेक्स्ट नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर एक सेकेंड, डॉक्टर भूकाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर आदित्य जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके नाउ आई एम इनवाइटिंग टू डॉक्टर यूएस लाल सर, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज सर आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर यूएस लाल सर जी सभी सम्मानित साथियों अपने अनम्यूट करो डॉक्टर लाल। सर सुधीर राज सिंह सर से यह विनती है कि प्रेजेंटेशन करना है मुझे 26 तारीख की, 26 दिसंबर की, तो प्लीज शेयरिंग का वो दे दे मुझे। आप होस्ट नहीं है क्या? नहीं वो एक डिसेबल्ड हो गए थे बीच में तो इस वजह से होस्ट बना था। प्लीज चलिए साहब, एक मेहताब सिंह है काफी दिनों से जुड़े हैं, उनको अभी एक बार करवा दूं। हाँ डॉक्टर साहब को बुलाइए भाई, डॉक्टर मेहताब सिंह जी को बुलाइए, काफी दिनों से आए हैं। हाँ जी थैंक यू सर। सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूँ कि 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में एक दिवसीय डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आप सभी साथी आमंत्रित हैं। आप सभी साथी 26 दिसंबर को लखनऊ में आए और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाएं। यह कॉन्फ्रेंस कानपुर रोड पर ड्रीम वर्ल्ड रिसॉर्ट में हो रही है जो कि लखनऊ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है कानपुर रोड पे, एयरपोर्ट से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है, यह मेन रोड पे ही स्थित है और ये इसका वेन्यू है। जहां पे ये मीटिंग होगी तो अब
सारे साथियों से अनुरोध है कि आप सभी आए एवं इस मीटिंग में रखे। थैंक यू सर। ये सर ये वेन्यू है जहां पे ये मीटिंग होगी, ये कानपुर रोड पे है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, लगातार यहाँ पे साधन मिलते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है सर। पर जो लोग आएंगे उसके लिए तो है कि नहीं आने के लिए? हाँ जी सर बिल्कुल है सर, वही वही पूछ रहा था, जो आएंगे उनके लिए सुविधा तो जरूरी है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सुविधा है सर, बिल्कुल सुविधा है। लाल साहब? हाँ जी सर। लाल साहब वो या तो टाइमिंग सेट कर दीजिए जी सर, एक दिन पहले आए या एक दिन बाद या उस दिन आए, तो उससे क्या होगा कि वो जैसे भी जो कोई फ्लाइट से आ रहा है कोई ट्रेन से आ रहा है तो जी सर आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना जो भी आपको असुविधा ना हो। जी जी नहीं ये सारे जो भी सम्मानित साथी आएंगे उन सबसे लगातार बात होती रहेगी हम लोगों की, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यह है वेन्यू में पहुंचने के लिए ना, या तो कोई वेन्यू में रहना चाहेगा या तो कोई बाहर रहना चाहेगा। तो बाहर रहना चाहेगा वो अपने हिसाब से रहेगा जी, और जो वेन्यू में रहना चाहेगा वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आई वांट टू स्टे एट वेन्यू। ठीक सर, हमारी लगातार बात हो रही है, जो भी साथी आना चाह रहे हैं और या जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लगभग अभी तक 30-35 साथियों ने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, तो उनसे बात लगातार हो रही है, जो भी किसी साथी को प्रॉब्लम आएगी उसको बता दिया जाएगा। नहीं डॉक्टर लाल, एक जो जनरल एडवाइस है ना वो ये है, 25 तारीख की भैया छुट्टी है जी सर, तो सब लोग कोशिश ये करें कि या तो 24 तारीख की रात को पहुंच जाएं या 25 को सुबह ही पहुंच जाएं, और 25 तारीख को उन्होंने लखनऊ में घुमाना है भाई सबको। ठीक है, आपका ये जिम्मेदारी में मैंने इसको शेयर करना है, ये मैंने शेयर करना है इसको कि सभी साथी 25 को पहुंच जाएं, और 25 को या तो छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कर लेंगे, बस भी कर लेंगे, मिनी बस या बड़ी बस करके, और सबको लखनऊ में घुमाएंगे। और 26 तारीख की जी सर, आप कह रहे हैं तो पहुंच जाएंगे सर, आप बोलो कब पहुंचना है। मैं 25 को सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा रेलवे स्टेशन पर, और वही सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए करने की लखनऊ के जो मेरे साथी हैं वो सब करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। सारी व्यवस्था नहीं सर, 25 को पहुंचना है कि 24 को पहुंचना है? एक्चुअली या तो 24 की रात को पहुंच जाओ, या तो 24 की शाम को रात को पहुंच जाइए, या 25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 7-8 बजे तक। सर आप तो पड़ोस में रहते हो, हम तो बहुत दूर रहते हैं ना सर। सर आप जब भी आ जाएंगे मैं आपके साथ हूँगा। धन्यवाद धन्यवाद सर। केवल जितने साथियों को लेके आएंगे पर नंबर उनका बता दीजिए ताकि व्यवस्था उसी हिसाब से हो जाएगी। सर केवल सब डॉक्टर से आएंगे ना? हम डॉक्टर्स को विशेष रूप से इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भी साथी आएंगे स्वागत सबका करेंगे। थैंक यू सर। हम लोग कानपुर में बिल्कुल नजदीक है ना सर? कानपुर में कानपुर वाले लखनऊ वालों का तो प्रोग्राम ही है, उन्हें ये आपको तो पहले पहुंचना है सर, आप कानपुर लखनऊ के लोग तो अले श्याम जी, दिस इज योर प्रोग्राम, आपको लोगों को अटेंड करना भाई साहब कानपुर लखनऊ वाले। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। तो कितने लेके आने हैं? ये जो मीटिंग हमारी प्रारंभ होगी
सर परौंठे कितने लेके आने हैं? हाँ सर, ये जो 26 तारीख को मीटिंग की, हम लोग 8:30 बजे रजिस्ट्रेशन वगैरह से शुरुआत कर देंगे थोड़ा। और लोकल मीटिंग नहीं है भैया, एक जो परांठे जो भाई ने शब्द प्रयोग किए, लखनऊ वाले तो परांठे ले आएंगे लेकिन वहाँ जबलपुर वालों से परांठे मंगवाओगे? नहीं सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, परांठे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परांठे का इंतजाम है सर, नाश्ता भी है, दोपहर में खाना भी है सर, शाम की चाय भी है, तो आप साथी निश्चिंत रहे, पटाखे लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, जो लाना जाए ले आए, वो लखनऊ वाले कानपुर वाले ले आएंगे पराठे बनाने। मैं एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा मदद के लिए, सहयोग के लिए एक दिन पहले पहुंचूंगा मैं। जी भैया, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। तो सर इसमें जो है, जैसे कार्यक्रम शुरू होगा तो प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगातार चलेगा ये, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें ये प्रोग्राम शाम को 5 बजे खत्म होगा और हम सब साथी मिलके प्रोग्राम को करेंगे। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमारे ढेर साथियों ने अपना नाम दे रखा है। पैटरान के रूप में श्रद्धेय लाल सिंह सर हैं, डॉक्टर उदयवीर सिंह सर हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ढेर सारे साथी हैं, दिल्ली से डॉक्टर सुदेश प्रकाश सर हैं, डॉक्टर सीमा प्रकाश मैम हैं, कानपुर से डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह सर हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सर हैं, लखनऊ SGPGI से डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती सर हैं, डॉक्टर बसंत कुमार सर हैं, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से JNMMC के हमारे सर जो हैं डॉक्टर कमल किशोर सर हैं, MP से डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी हैं, राजस्थान से डॉक्टर OP वर्मा सर हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हरिराम सर हैं, डॉक्टर रमा शंकर सर हैं, पंजाब की तरफ से डॉक्टर तीरथ बाला मैम हैं, चंडीगढ़ से डॉक्टर भगत सर हैं, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर कंचन लता मैम हैं, लखनऊ से डॉक्टर RS स्वामी हैं। इस प्रकार से सभी साथी मिलके इस कार्यक्रम को करेंगे और सफल बनाने का प्रयास करेंगे। विराट से भी हमारे साथी जुड़ेंगे, डॉक्टर अजय जलवान जी हैं और वो भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सभी साथी इस मीटिंग में प्रतिभाग करेंगे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद जी, थैंक यू सर, और इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन आपने इतने अच्छे से इजी शब्दों में बताया। नेक्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर धर्मवीर सिंह, धर्म सिंह, डॉक्टर धर्म सिंह सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बंसल मैम, ये डॉक्टर अशोक भारती सर लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनको बुला लिया जाए। डॉक्टर अशोक भारती सर अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दें। डॉक्टर अशोक भारती सर लखनऊ से जी। डॉक्टर अशोक भारती सर प्लीज, आप इनवाइटेड हैं परिचय के लिए। नेक्स्ट डॉक्टर मेहताब सिंह, मेहताब सिंह जी। जी हेलो जी सर, वेलकम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, और माफी चाहूंगा मैं बीच बीच में काफी व्यस्त होने की वजह से काफी दिन के बाद आज दोबारा से जुड़ रहा हूँ, तो लेकिन टेलीफोनिकली जब भी टाइम लगता है तो मैं लोगों के साथ वैसे फोन पे वार्तालाप होती रहती है। पीछे थोड़ा सा कुछ पारिवारिक समस्या और कुछ ट्रैवल का प्रोग्राम है सर, आज एक डेढ़ महीने से मैं आज मैं अंदर बैठा तो इसलिए, और आज क्योंकि डॉक्टर स्पेशल था तो इसलिए मैं आज जुड़ने की कोशिश की, और बड़ा अच्छा लगा कि भी मेरे को पता लग गया लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपना मतलब सहमति भी आज देता हूँ कि भी मैं भी उसमें शिरकत करने की कोशिश करूँगा। प्रोफेशनली मैं पब्लिक हेल्थ से हुआ हूँ और पब्लिक हेल्थ में ही मैं मतलब मेरा जब से मैं
फील्ड में काम करने आया हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ में, और मैक्सिमम टाइम मेरा डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ काम रहा है, WHO, USAID, यूनिसेफ, इन सब एजेंसीज के साथ मैंने काम किया, और फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, प्लीज बी कनेक्टेड। नेक्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर धर्म सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर धर्म सिंह जी, डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर भूकाल जी। हेलो, आज जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर धर्म सिंह अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक्चुअली मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और विविधा पीपल में शुरू से ही पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा ऑफिशियली एंड अदर्स प्रॉब्लम के कारण मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा कुछ एक महीने से, यही मेरा परिचय। फिलहाल थोड़ी लाइफ की प्रॉब्लम चाहिए तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू, जय भीम। थैंक यू सर, प्लीज जुड़े रहिए। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कुछ साथियों ने हैंड रेस किए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हरिश्चंद्र जी, आपने हैंड रेस किया है, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। ये हरिश्चंद्र जी से अपनी प्रॉब्लम होगी, राजकुमारी बहन जी ये कई बार कहते रहते हैं मुझे डॉक्टर से कब मीटिंग होती है पता नहीं चल रहा है, रोज ही जुड़ते तो रोज हैं। अच्छा, तो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, या तो बता दें या अपना नंबर यहाँ बताना, या फिर बताएंगे तो कोई डॉक्टर इनसे कांटेक्ट भी कर लेगा जी। सर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप अपनी समस्या छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको निदान मिल जाएगा। दूसरा एक डॉक्टर मैडम राजकुमारी जी, एक मेहताब से जुड़े हैं, सिंह जी जुड़े हैं ना, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करो, जहाँ आप जो इनका फील्ड है थोड़ा सा वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं जी। डॉक्टर मेहताब सिंह जी। हाँ डॉक्टर, नमो बुद्धा जी। नमो बुद्धा जय भीम, मैं हरिश्चंद बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, आवाज मिल रही डॉक्टर मेरी जी? आ रही आवाज आपकी। अच्छा, हाँ मैं कानपुर से हूँ, मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स पद से अभी 31 मार्च को रिटायर हुआ हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और डॉक्टर उदयवीर सिंह साहब के थ्रू मैं जुड़ा हूँ इसमें, श्रेय उनको बहुत जाता है। और मुझे थोड़ा से डाउट कुछ क्लियर करने थे डॉक्टर साहब, कि एक तो जैसे हम लोग कहते हैं कि वो ये कि दवाएं जो है एलोपैथिक दवाएं कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो ये बात कहाँ तक सही है? अरे भाई मैं वो टेलीफोन पे बता दूंगा आपको हरिश्चंद्रा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, टेलीफोन पे सारी बातें आपको बता दूंगा भैया, टेलीफोन पे कर लेना सारी बातें। डॉक्टर साहब नमो बुद्धाय। हाँ नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब एक चीज और ये थोड़ा सा पता करना था, ये जो ओपीडी होती है ये कब कब और क्या क्या टाइमिंग रहता है, इसका थोड़ा सा क्लियर हो जाए? ये मैं आपको बता दूंगा, 6 से 8 करते हैं हम अक्सर डेली करते हैं। ठीक ठीक ठीक, 6 से 8 करते हैं अक्सर डेली करते हैं, मंगल को और बुध को करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बता देंगे आपको। ठीक 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 है, नमो बुद्धाय। हाँ मेहताब सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, मैं जी सर, मैसेज मैंने नोट कर लिया है और कोशिश कर रहा हूँ। तो हम होप कर रहे हैं कि आप और साथियों को जोड़ेंगे, और चूंकि आपका नेटवर्क इतना अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो और उम्मीद करते हैं हम आपसे। जी जी, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। मैं उपस्थित सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आज साथी डॉक्टर विशेष आज का है सेशन है, तो जो भी साथी चिकित्सक साथी हमारे जुड़े हैं साथ में, प्लीज अगर मैंने परिचय से छूट गया है, मैं नहीं बुला पाई हूँ, तो प्लीज अपना परिचय दें। आप ओपन है, माइक या मंच ओपन है सबकी के लिए, आप आमंत्रित हैं। डॉक्टर रमा शंकर सर जुड़े हुए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर रमा शंकर से प्लीज आए और अपना परिचय दें। जी जी, आप सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर रमाशंकर हूँ, के जेएमयू लखनऊ में।
और हम लोग इंडिविजुअली तो सब कम कर रहे हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हैं उसको हम लोग मदद करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक संगठन वी द पीपल के द्वारा हम लोग करेंगे बहुत बड़े लार्ज स्केल में है, तो ये हम लोगों का एक सफल जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग एक संगठन के द्वारा जो एक किसी बड़े काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसी में हम लोग जो 26 दिसंबर को कर रहे हैं, तो इसका एक डिस्कशन होगा। ये मैं डॉक्टर उमा शंकर लाल के द्वारा जुड़ा हूँ और करीबन 2 महीने से हूँ, स्पेशली मैं डॉक्टर्स जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जो मीटिंग होती है उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जैसे टाइम मिलता है उसमें भी करते हैं। जी मैडम, जय भीम, जय उपजार। नहीं सर, आपसे विनती है सर कि जिन लोगों से हम लोगों ने मुलाकात करी थी जी मेकिंग यार मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सर उनके संपर्क में लगातार बने रहे और जी, भी वहाँ के जितने चिकित्सक साथी हैं उनको भी वी द पीपल से जोड़ने के लिए उनको आमंत्रित करें और लगातार प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग 26 दिसंबर की मीटिंग में आए। जी ठीक, कल एक बार और रिमाइंड हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं किशोर जी का हैंड रेज देख रही हूँ, किशोर जी आप आमंत्रित है, अपनी बात रख सकते हैं। ये इसमें वन हेलो किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किशोर मानवर जी इसमें नंबर आता है ना मैडम, नोकिया से जुड़े हैं, मैं नोकिया नाम से 2.4। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पाई हूँ आपका मैसेज।